हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस दो लैंग्वेज में बनाई गई फिल्में एक तो है तमिल दूसरी है हिंदी तो ये दोनों वर्जन कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे

एक फ्रेंच में नोवेल है ले मोन्तेचाज जो फ्रेडरिक डाल्ट के द्वारा लिखी गई है उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म को हिंदी तमिल में बारी बारी से शूट किया गया था जहाँ पे तमिल के लिए और हिंदी के लिए जो एक्ट्रेस है वो एक्टर्स है उसमें कुछ कॉमन एक्टर्स है वहीं पे कुछ एक्टर्स है वो आपको डेफिनेटली अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग देखने को मिलेंगे डायरेक्शन श्री राम राघवन का देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उन स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन जो राइटिंग है उसमें हिंदी वर्जन में श्री राम राघवन के साथ साथ अरिजीत विश्वास पूजा लादा सूरती और अनुकृत पांडे ने लिखा हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन है वो प्रदीप कुमार एस अब्दुल जब्बार प्रसन्न बाला नटराजन और लता कार्तिकेयन ने लिखा हुआ है हिंदी का जो तमिल एडेप्टसन है वो उन्होंने किया हुआ है रमेश तोरानी जया तोरानी संजय रोत्री और केवलगर के द्वारा इस फिल्म को करीबन बताया जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ में बनाया हुआ है लीड रोल में कैटरीना विजय सेतुपति है इस फिल्म को टिप्स फिल्म्स और मेजबॉक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ है फिल्म में वहीं पे इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में यूएफर मूवीज़ हिंदी वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे पैन मरुदकर करके तो द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मधु नीलाकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग पूजा लदा सुरती ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म को 145 मिनट यानी कि दो घंटे 15 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए बैगग्राउंडसर डेनियल बी जॉर्ज का आपको सुनने को मिलेगा म्यूज़िक के राइट्स टिप्स म्यूजिक के पास है फिल्म में तीन तीन गाने रखे हुए दोनों वर्जन के लिए लीड कास्ट की बात करें तो कैटरीना के फिल ट लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे मारिया कुमार का विजय सेतुपति तो ने एल्बर्ट रमेश का रोल प्ले किया हुआ है अश्वनी कालशेखर रोनी की वाइफ का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी इसके अलावा राधिक आफ्ते रोसी का रोल रो रोजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जिनका केमियो है गायत्री का भी एक केमियो देखने को मिलेगा सिंगर के तौर पर तो वो केमियो पीरेंस उनका भी देखने को मिलता है वहीं पर हिंदी कास्टिंग की बात करें इसके अलावा ये मेन कास्ट है दोनों वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए संजय कपूर जो सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं रोनू के रोनी के रोल में विजय विनय पाठक ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है प्रतिमा काजमी ने पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है टिनू ने यादुम के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन के लिए जो राधिका शरद कुमार है वो पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी पी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो विनय पाठक रोल प्ले करे हिंदी वर्जन वाला वो प्ले कर रही है सनमुगन ने इस फिल्म में पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कविन बाबू रोनी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके अलावा राजेश इस फिल्म में अंकल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है दोनों वजन के लिए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली जनवरी 2021 में की गई थी कैटरीना के केफ ने एक फिल्म साइन की हुई थी जहां पे उनके साथ बस कुछ सोर्स से पता चला था कि विजय सेतुपति लीड रोल में होने वाले तो अनयूजल कास्ट थी जहां पे श्री राम राघवन को टीरेक करेंगे जिन्होंने लास्ट फिल्म अंधाधुन जैसी ब्लॉक दी हुई है इस फिल्म की लॉन्चिंग थी वो अप्रैल महीने में नेम की गई थी लेकिन सेकंड वेव जो कोविड का चल रहा था उसके चलते कैटरीना भी उसमें कोविड पॉजिटिव पाई गई थी जिसके चलते लॉन्च था वो डिले गया 25 दिसंबर को फिल्म को ऑफिशियली रमेश तोरानी और संजय रोहत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था वो उन्होंने बताया था वो एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए कास्टिंग के ऊपर प्रोड्यूसर रमेश ने कहा था टाइम्स को कि विजय इस रोल के लिए परफेक्टली सूट बैठ रहे जहां पे कैटरीना कैफ की चॉइस पहले से ही थी लेकिन विजय के रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर होने वाला था डायरेक्टर को उनको लेने वाले थे लेकिन जैसे स्क्रिप्ट तैयार हुई उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये रोल उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा संजय कपूर इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे लेकिन वो सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए वहीं पे राधिका शरद कुमार का एक तमिल वर्जन के लिए रोल साइन किया हुआ है वहीं पे जो राधिका शरद कुमार तमिल वर्जन में रोल प्ले करे अगस्त महीने में उसका एक अनाउंसमेंट हुआ था हिंदी वर्जन में वो रोल विनय पाठक प्ले करेंगे इसके अलावा कुछ की रोल से जो इस फिल्म में बाद में रिटर्न अनाउंस किए गए थे जुलाई 2023 में पता चला था कश्विन काल से करा दिखाते इस फिल्म में कुछ के म्यूजिक में काम करने वाली है इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है फिल्म की वो 25 दिसंबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी पहला शेड्यूल मुंबई में था शूटिंग को हॉल पर रखा था जहाँ पे जनवरी 2022 तक कोविड केस बढ़ रहे थे उस वजह से शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई थी फरवरी में फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में संजय कपूर ने अपने पोर्शन की शूटिंग है वो मार्च महीने में स्टार्ट की हुई थी कैटरीना के अपने कंटिन्यू शूटिंग है वो अपने पोर्शन की वो ग्यारह मार्च से स्टार्ट की हुई थी पहला शेड्यूल मार्च में महीने में ही कम्प्लीट करवाया गया था सेकंड शेड्यूल था वो मार्च को चित्रकूट में तुरंत स्टार्ट करवा दिया गया था और वो शेड्यूल काफ़ी लंबा था करीबन 45 दिनों लंबा शेड्यूल था जहाँ पे हिंदी तमिल दोनों वजन साथ ही में शूट हो रहे थे राधिका शरद कुमार ने अपने तमिल पोर्सन की शूटिंग है वो अप्रैल महीने में स्टार्ट की हुई थी कुछ फायर एक्सीडेंट के चलते शूटिंग अगस्त महीने में रोकनी पड़ी थी शेड्यूल बाद में चेंज करना पड़ा था और लोकेसन बाद में वृंदावन स्टूडियो में ट्रांसफ़र की गई थी सेकंड शेड्यूल को बाद में नवंबर तक फिनिश करवाया गया तीसरा शेड्यूल था वो नवंबर में ही मुंबई में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पर Es este film. कैटरीना केफ के से और सेतुपति और कैतरीना केफ विजय सेतुपति और संजय कपूर के साथ में जो कुछ सीन्स थे वो वहाँ पर फिल्माए गए थे और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी उसको जनवरी 2023 तक पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्मेशन के साथ रेपअप किया गया था विजय सेतुपति के बर्थडे के मौके के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट करवाया हुआ था जब लास्ट शेड्यूल चल रहा था उसी समय से स्टार्ट करवा दिया गया था विजय राघव ने मई दो में रिविल किया हुआ था ये फिल्म डबल लैंग्वेज में शूट की हुई साइमन टेल हिंदी और तमिल वर्जन में शूट की गई है जहाँ पे विजय राघवन और कैटरीना केव दोनों का तमिल डेब्यू कह सकते इस तरह से और बाद में इनके साथ अलग अलग को एक्टर्स को लेकर इस फिल्म में तमिल और हिंदी वर्जन के लिए अलग अलग एक्टर्स लेकर प्रॉपर शूटिंग की गई है दीपा वेंकट जो डबिंग आर्टिस्ट है उन्होंने कैटरीना के केब के लिए वॉइस ओवर दी हुई तमिल वर्जन के लिए राधिका शरद कुमार ने विजय पाठक ने जो हिंदी वर्जन रोल प्ले किया वो तमिल में रिप्राइज किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बाद बाद में इनको पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाने के बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक के राइट्स की बात करें तो टिप्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी वालों ने टिप्स म्यूजिक के अंडर इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे थे फिल्म के गाने प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे देखा जाए ऑफिशियल उनका एक तमिल डेब्यू था पहला से टाइटल था मेरी क्रिसमस टाइटल ट्रैक हिंदी ट्रैक लिस्टिंग पहले कर देते मेरी क्रिसमस का जो टाइटल ट्रैक था उसको एस किंग ने गाया हुआ था वरुण ग्रोवर ने उसके लिरिक्स लिखे हुए थे उस टाइटल ट्रैक को 25 दिसंबर 2023 तक रिलीज़ करवाया था नजर तेरी तूफान गाने को पपन ने गाया हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था और इसको सेकंड सिंगल के तौर पे 4 जनवरी 2024 को टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था रात अकेली थी गाने को दस जनवरी दो को टिप्स म्यूजिक वालों ने रिलीज करवाया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया हुआ था अरिजी सिंह ने गाया हुआ था ठीक उसी तरह तमिल ट्रैक लिस्टिंग करे तो मेरी क्रिसमस टाइटल है उसको युगा भारती ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया था बेनी दयाल ने गाया हुआ था अनबे विदय गाने को प्रीतम ने म्यूजिक दिया था युगा भारती ने लिखा था और श्री रामचंद्रा ने उसको गाया हुआ था कंदा दाई करके जो कड़ाल करके जो गाना है उसको कार्तिक ने गाया हुआ था युगा भारती ने लिखा था और प्रीतम ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से तीन तीन गाने दोनों वर्जन में रखे हुए थे ये सभी गाने आपको अभी फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के तमिल और टिप्स म्यूजिक के हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया वैसे इस फिल्म के साथ हिंदी में हनुमान का हनुमान का जो तेलुगु वर्जन फिल्म पेन इंडिया उसका डव वर्जन सेंध वैसे कई फिल्में कैप्टन मिलर रिलीज़ हुई है वैसे प्रॉपर हिंदी एक ही फिल्म रिलीज़ हुई है जहाँ पे इस फिल्म को डिसेंट स्क्रीन टाइम सॉरी स्क्रीन मिले हुए वैसे फिल्म पहले 23 दिसंबर 2022 को आने वाली थी प्रोडक्शन डिले हुआ उसके बाद में इस फिल्म को तेईस दिसंबर 2023 के लिए पोस्टपोन किया गया लेकिन फिर से रिशेड्यूल करते हुए 12 जनवरी 2024 को फिल्म का रिलीज़ किया इस फिल्म को जब रिलीज़ किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला फिल्म फिलहाल में इस फिल्म को आई पे पाँच वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे कुछ चीज़ों की काफ़ी तारीफ की गई कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया जिस तरह से फिल्म का रन टाइम था जिस तरह से फिल्म की पेस चल रही थी उसकी क्रिटिसिज्म मिली हुई है लेकिन इस फिल्म में जो डिरेक्शन देखने को मिलता है स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसेस सिनेमेटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर इन सभी चीज़ों की तारीफ़ की गई थी तो प्रोटॉय इन सभी चीज़ों को जनरली क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था वैसे अगर आप इस फिल्म को अंधाधुन से कंपेयर करने चलते हो तो शायद थोड़ा कम आपको लगेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई है जहाँ पे जिस तरह से कैटरीना ना कैफी जैसे तो का दोनों का कॉम्बो दिखाया है उनकी केमिस्ट्री दिखाई और डेफिनेटली पसंद आएगी फिल्म में जिस तरह से ट्विस्ट और टर्न चलते सेकंड हाफ में जो चीज़ें अचानक कटने लगती जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है वैसे श्री राम राघवन का सिनेमेटिक यूनिवर्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी लीड रोल से लेकर सपोर्टिंग रोल्स तक उनके किरदार अच्छी तरह से लिखे गए थे हाँ फिल्म की पेस लो थी जिस तरह से

ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने करीबन साठ करोड़ रुपए देके इस फिल्म के ओ राइट्स खरीदे हुए तो थिएट्रिकल रन कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म एक दो महीने के बाद आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मेरी क्रिसमस नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी क्रिसमस फिल्म बारह जनवरी दो से थिएटर में रिलीज़ हुई है फिलहाल मैं वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हो अदरवाइज आपको ओ पे देखनी है तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से मेरी क्रिसमस फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे मेरी क्रिसमस जो दो की इंडियन न्यू ईयर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है ये एक बायोलिंग फिल्म थी जिसको तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में क्रिएट किया हुआ है एक फ्रेंच में नोवेले ले मोंटेचाज जो फ्रेडरिक डाल्ट के द्वारा लिखी गई है उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म को हिंदी तमिल में बारी बारी से शूट किया गया था जहाँ पे तमिल के लिए और हिंदी के लिए जो एक्ट्रेस है वो एक्टर्स है उसमें कुछ कॉमन एक्टर्स है वहीं पे कुछ एक्टर्स है वो आपको डेफिनेटली अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग देखने को मिलेंगे डायरेक्शन श्री राम राघवन का देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उन स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन जो राइटिंग है उसमें हिंदी वर्जन में श्री राम राघवन के साथ साथ अरिजीत विश्वास पूजा लादा सूरती और अनुकृत पांडे ने लिखा हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन है वो प्रदीप कुमार एस अब्दुल जब्बार प्रसन्न बाला नटराजन और लता कार्तिकेयन ने लिखा हुआ है हिंदी का जो तमिल एडप्टेशन है वो उन्होंने किया हुआ है रमेश तोरानी जया तोरानी संजय रोत्री और केवलगर के द्वारा इस फिल्म को करीबन बताया जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ में बनाया हुआ है लीड रोल में कैटरीना विजय सेतुपति है इस फिल्म को टिप्स फिल्म्स और मेजबॉक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ है फिल्म में वहीं पे इस फिल्म की टे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में यूएफओ मूवीज़ हिंदी वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे पेन मरुदकर के तो द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मधु नीलाकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग पूजा लदा सुरती ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म को 145 मिनट यानी कि दो घंटे 15 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए डेनियल बी जॉर्ज का आपको सुनने को मिलेगा म्यूजिक के राइट्स टिप्स म्यूजिक के पास है फिल्म में तीन तीन गाने रखे हुए दोनों वर्जन के लिए लीड कास्ट की बात करें तो कैटरीना के फिल्ट लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे मारिया कुमार का विजय सेतुपति तो ने एल्बर्ट रमेश का रोल प्ले किया हुआ है अश्वनी कालशेखर रोनी की वाइफ का रोल प्ले करते हुई नजर आएंगी इसके अलावा राजी का आफ्ते रोसी का रोल रोजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जिनका केमियो है गायत्री का भी एक केमियो देखने को मिलेगा सिंगर के तौर पे तो वो केम्योपीडेंस उनका भी देखने को मिलता है वहीं पे हिंदी कास्टिंग की बात करें इसके अलावा ये मेन कास्ट है दोनों वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए संजय कपूर जो सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं रोनू के रोनी के रोल में विजय विनय पाठक ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है प्रतिमा काजमी ने पुलिस कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है तीनू आनंद यादव अंकल का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर तमिल वर्जन के लिए जो राधिका शरद कुमार है वो पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी पी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो विनय पाठक रोल प्ले करें हिंदी वर्जन वाला वो प्ले कर रही है सनमुगन ने इस फिल्म में पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कविन जय बाबू रोनी का रोल प्ले करते तो नजर आएंगे इसके अलावा राजेश इस फिल्म में अंकल का रोल प्ले करते तो नजर आएंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है दोनों वजन के लिए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली जनवरी 2021 में की गई थी कैटरीना कैफ ने एक फिल्म साइन की हुई थी जहां पे उनके साथ बस कुछ सोर्स से पता चला था कि विजय सेतुपति लीड रोल में होने वाले तो अनयूजल कास्ट थी जहां पे श्री राम राघवन को डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने लास्ट फिल्म अंधाधुन जैसी ब्लॉकबस्टर दी हुई है इस फिल्म की लॉन्चिंग थी वो अप्रैल महीने में की गई थी लेकिन सेकंड वेव जो कोविड का चल रहा था उसके चलते कैटरीना भी उसमें कोविड पॉजिटिव पाई गई थी जिसके चलते लॉन्च था वो डिले रखा गया पच्चीस दिसंबर को फिल्म को ऑफिशियली रमेश तोरानी और संजय रोत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था वो उन्होंने बताया था वो एज़ अ प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए कास्टिंग के ऊपर प्रोड्यूसर रमेश ने कहा था ई टाइम्स को कि विजय इस रोल के लिए परफेक्टली सूट बैठ रहे जहाँ पे कैटरीना कैब की चॉइस पहले से ही थी लेकिन विजय के रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर होने वाला था डायरेक्टर को उनको लेने वाले थे लेकिन जैसे स्क्रिप्ट तैयार हुई उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये रोल उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा संजय कपूर इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे लेकिन वो सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए वहीं पर राधिका शरद कुमार का एक तमिल वर्जन के लिए रोल साइन किया हुआ है वहीं पर जो राधिका शरद कुमार तमिल वर्जन में रोल प्ले करे अगस्त महीने में उसका एक अनाउंसमेंट हुआ था हिंदी वजन में वो रोल विनय पाठक प्ले करेंगे इसके अलावा कुछ की रोल्स जो इस फिल्म में बाद में ऑन अनाउंस किए गए थे जुलाई 2023 में पता चला था कि अश्विन काल से करा दिखाते इस फिल्म में कुछ के म्यूजिक में काम करने वाले हैं इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है फिल्म की वो 25 दिसंबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी पहला शेड्यूल मुंबई में था शूटिंग को हॉल पर रखा था जहाँ पे जनवरी 2022 तक कोविड केस बढ़ रहे थे उस वजह से शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई थी फरवरी में फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में संजय कपूर ने अपने पोर्शन की शूटिंग है वो मार्च महीने में स्टार्ट की हुई थी कैटरीना के अपने कंटिन्यूस शूटिंग है वो अपने पोर्शन की है वो ग्यारह मार्च से स्टार्ट की हुई थी पहला शेड्यूल मार्च में महीने में ही कम्प्लीट करवाया गया था सेकंड शेड्यूल था वो मार्च को चित्रकूट में तुरंत स्टार्ट करवा दिया गया था और वो शेड्यूल काफ़ी लंबा था करीबन पैंतालीस दिनों लंबा शेड्यूल था जहाँ पे हिंदी तमिल दोनों वजन साथ ही में शूट हो रहे थे राधिका शरद कुमार ने अपने तमिल पोर्सन की शूटिंग है वो अप्रैल महीने में स्टार्ट की हुई थी कुछ फायर एक्सीडेंट के चलते शूटिंग अगस्त महीने में रोकनी पड़ी थी शेड्यूल बाद में चेंज करना पड़ा था और लोकेसन बाद में वृंदावन स्टूडियो में ट्रांसफ़र की गई थी सेकंड शेड्यूल को बाद में नवंबर तक फिनिश करवाया गया तीसरा शेड्यूल था वो नवंबर में ही मुंबई में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म में कैटरीना के फोर का कैटरीना के विजय सेतुपति और संजय कपूर के साथ में जो कुछ सीन्स थे वो वहां पर फिल्माए गए थे और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है उसको जनवरी 2023 तक पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्मेशन के साथ रेपअप किया गया था विजय सेतुपति के बर्थडे के मौके के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट करवाया हुआ था जब लास्ट शेड्यूल चल रहा था उसी समय से स्टार्ट करवा दिया गया था विजय राघवन ने मई दो में रिवील किया हुआ था कि फिल्म डबल लैंग्वेज में शूट की हुई है साइमन टेल्स हिंदी और तमिल वर्जन में शूट की गई है जहाँ पे विजय राघवन और कैटरीना केविक्स दोनों का तमिल डेब्यू कह सकते इस तरह से और बाद में इनके साथ अलग अलग को एक्टर्स को लेकर इस फिल्म में तमिल और हिंदी वर्जन के लिए अलग अलग एक्टर्स लेकर प्रॉपर शूटिंग की गई है दीपा वेंकट जो डबिंग आर्टिस्ट है उन्होंने कैटरीना के केव के लिए वॉइस ओवर दी हुए तमिल वर्जन के लिए राधिका शरद कुमार ने विजय पाठक ने जो हिंदी वर्जन रोल प्ले किया वो तमिल में रिप्राइज किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बाद में इनको पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाने के बाद म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग मिक्सिंग मास्टर करवाते फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक के राइट्स की बात करें तो टिप्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी वालों ने टिप्स म्यूजिक के अंडर इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे थे फिल्म के गाने प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे देखा जाए ऑफिशियली उनका एक तमिल डेब्यू था पहला से टाइटल था मेरी क्रिसमस टाइटल ट्रैक हिंदी ट्रैक लिस्टिंग पहले करते थे मेरी क्रिसमस का जो टाइटल ट्रैक था उसको एस किंग ने गाया हुआ था वरुण ग्रोवर ने उसके लिरिक्स लिखे हुए थे उस टाइटल ट्रैक को 25 दिसंबर 2023 तक रिलीज़ करवाया था नज़र तेरी तूफान गाने को पपन ने गाया हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था और इसको सेकंड सिंगल के तौर पे 4 जनवरी 2024 को टिप्स म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था रात अकेली थी गाने को दस जनवरी दो को टिप्स म्यूज़िक वालों ने रिलीज़ करवाया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया हुआ था अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था ठीक उसी तरह तमिल ट्रैक लिस्टिंग करें तो मेरी क्रिसमस टाइटल है उसको योगा भारती ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया था बेनी दयाल ने गाया हुआ था अनबी गाने को प्रीतम ने म्यूजिक दिया था युगा भारती ने लिखा था और श्री रामचंद्रा ने उसको गाया हुआ था कंदा धदाई करके जो कडाल करके जो है उसको कार्तिक ने गाया हुआ था योगा भारती ने लिखा था और प्रीतम ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से तीन तीन गाने दोनों वर्जन में रखे हुए थे ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के तमिल और टिप्स म्यूजिक के हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया वैसे इस फिल्म के साथ हिंदी में हनुमान का हनुमान का जो तेलुगु वर्जन फिल्म है पेन इंडिया उसका डव वर्जन सेंध वैसे कई फिल्में कैप्टन मिलर रिलीज़ हुई है वैसे प्रॉपर हिंदी एक ही फिल्म रिलीज़ हुई है जहाँ पे इस फिल्म को डिसेंट स्क्रीन टाइम सॉरी स्क्रीन मिले हुए वैसे फिल्म पहले तेईस दिसंबर दो को आने वाली थी प्रोडक्शन डिले हुआ उसके बाद में इस फिल्म को तेईस दिसंबर दो के लिए पोस्टपोन किया गया लेकिन फिर से रिशेड्यूल करते हुए बारह जनवरी दो हजार चौबीस को फिल्म का रिलीज किया इस फिल्म को जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म फिलहाल में इस फिल्म को पे सर सर वोट मिले जिसमें सात पॉइंट छह की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे कुछ चीज़ों की काफ़ी तारीफ़ की गई कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया जिस तरह से फिल्म का रन टाइम था जिस तरह से फिल्म की पेस चल रही थी उसकी क्रिटिसिज्म मिली हुई है लेकिन इस फिल्म में जो डिरेक्शन देखने को मिलता है स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसेस सिनेमेटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर इन सभी चीज़ों की तारीफ़ की गई थी तो प्रोटेव इन सभी चीज़ों को जनरल क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था वैसे अगर आप इस फिल्म को अंधाधुंध से कंपेयर करने चलते हो तो शायद थोड़ा कम आपको लगेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई है जहाँ पे जिस तरह से कैटरीना के पी जैसे तो का दोनों का कॉम्बो दिखाया है उनकी केमिस्ट्री दिखाई वो डेफिनेटली पसंद आएगी फिल्म में जिस तरह से ट्विस्ट और टांस चलते हैं सेकंड हाफ में जो चीज़ें अचानक कटने लगती है जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है वैसे श्री राम राघवन का सिनेमेटिक यूनिवर्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी लीड रोल से लेकर सपोर्टिंग रोल्स तक उनके किरदार अच्छी तरह से लिखे गए थे हाँ फिल्म की पेस स्लो थी जिस तरह जो रन टाइम था वो थोड़ा लंबा महसूस हो रहा था क्योंकि फिल्म काफी धीरे चल रही थी आसानी से 10-15 मिनट जितने इस फिल्म को चॉप ऑफ किया जा सकता था अदरवाइज इस फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो क्राइम देखने को मिलता है उसमें जो सभी चीजें इनपुट की हुई डायरेक्टर ने वो बखूबी काफी बढ़िया है मेरी क्रिस्पेस अनडाउटेडली आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस डेफिनेटली देखी जाएगी फिलहाल में कितनी कुछ फिल्में आई हुई है उसमें आपको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी जहां पे विजय सेतुपति एक और सॉलिड परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं कटरीना के आप अपनी तरफ से परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते नजर आते हैं तो एक अच्छी फिल्म है इसे डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली फिलहाल में रिलीज़ किया हुआ है जहां पर फिल्म का पहले दिन का हिंदी का नेट कलेक्शन दो करोड़ तीस लाख का निकल के आया हुआ है तो ठीक ठाक ओपनिंग ली हुई है लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को डेफिनेटली एक लंबा रन देगा और फिल्म अच्छा आसानी से कलेक्ट कर सकती है ओ टी टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने करीबन साठ करोड़ रुपए देकर इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स खरीदे हुए तो थिएट्रिकल रन कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म एक दो महीने के बाद आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मेरी क्रिसमस नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी क्रिसमस फिल्म बारह जनवरी दो हज़ार चौबीस से थिएटर में रिलीज हुई है फिलहाल मैं वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हो अदरवाइज आपको ओ टी टी पे देखनी है तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल टाइटल भी सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से मेरी क्रिसमस फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे मेरी क्रिसमस जो दो की इंडियन न्यू ईयर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है ये एक बायोलिंग फिल्म थी जिसको तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में क्रिएट किया हुआ है एक फ्रेंच में नोवेले ले मोनते चाज जो फ्रेडरिक डाल्ट के द्वारा लिखी गई है उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म को हिंदी तमिल में बारी बारी से शूट किया गया था जहाँ पे तमिल के लिए और हिंदी के लिए जो एक्ट्रेस है वो एक्टर्स है उसमें कुछ कॉमन एक्टर्स है वहीं पे कुछ एक्टर्स है वो आपको डेफिनेटली अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग देखने को मिलेंगे डायरेक्शन श्री राम राघवन का देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उन स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन जो राइटिंग है उसमें हिंदी वर्जन में श्री राम राघवन के साथ साथ अरिजीत विश्वास पूजा लादा सूरती और अनुकृत पांडे ने लिखा हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन है वो प्रदीप कुमार एस अब्दुल जब्बार प्रसन्न बाला नटराजन और लता कार्तिकेयन ने लिखा हुआ है हिंदी का जो तमिल एडप्टेशन है वो उन्होंने किया हुआ है रमेश तोरानी जया तोरानी संजय रोत्री और केवलगर के द्वारा इस फिल्म को करीबन बताया जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ में बनाया हुआ है लीड रोल में कैटरीना विजय सेतुपति है इस फिल्म को टिप्स फिल्म्स और मेजबॉक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ है फिल्म में वहीं पर इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में यूएफर मूवीज हिंदी वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे पैन मरुदकर करके तो द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मधु नीलाकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग पूजा लदा सुरती ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म को 145 मिनट यानी कि दो घंटे 15 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए बैकग्राउंड फोर डेनियल बी जॉर्ज का आपको सुनने को मिलेगा म्यूजिक के राइट्स टिप्स म्यूजिक के पास है फिल्म में तीन तीन गाने रखे हुए दोनों वर्जन के लिए लीड कास्ट की बात करें तो कैटरीना के, के फिल्ट लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे मारिया कुमार का विजय सेतुपति ने एल्बर्ट रमेश का रोल प्ले किया हुआ है अश्वनी कालशेखर रोनी की वाइफ का रोल प्ले करते हुई नजर आएंगी इसके अलावा राजी का आफ्ते रोसी का रोल रोजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जिनका केमियो है गायत्री का भी एक केमियो देखने को मिलेगा सिंगर के तौर पे तो वो का भी देखने को मिलता है वहीं पे हिंदी कास्टिंग की बात करें इसके अलावा ये मेन कास्ट है दोनों वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए संजय कपूर जो सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं रोन, रोनी के रोल में विजय पाठक ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है प्रतिमा काजमी ने पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है तीनु आनंद यादव अंकल का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर तमिल वर्जन के लिए जो राधिका शरद कुमार है वो पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी पी का रोल प्ले करते नजर आएंगे करेंगे जो विनय पाठक रोल प्ले करें हिंदी वजन वाला वो प्ले कर रही है सनमुगम ने इस फिल्म में पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कविन जय बाबू रोनी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके अलावा राजेश इस फिल्म में अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है दोनों वजन के लिए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली जनवरी 2021 में की गई थी कैटरीना कैफ के ने एक फिल्म साइन की हुई थी जहां पे उनके साथ बस कुछ सोर्स से पता चला था कि विजय सेतुपति लीड रोल में होने वाले तो अनयूजल कास्ट थी जहां पे श्री राम राघवन इनको टीरेक करेंगे जिन्होंने लास्ट फिल्म अंधाधुन जैसी ब्लॉक दी हुई है इस फिल्म की लॉन्चिंग थी वो अप्रैल महीने में नेम की गई थी लेकिन सेकंड वेव जो कोविड का चल रहा था उसके चलते कैटरीना भी उसमें कोविड पॉजिटिव पाई गई थी जिसके चलते लॉन्च था वो डिले गया 25 दिसंबर को फिल्म को ऑफिशियली रमेश तोरानी और संजय रोहरी के द्वारा लॉन्च किया गया था वो उन्होंने बताया था वो एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए कास्टिंग के ऊपर प्रोड्यूसर रमेश ने कहा था ए टाइम्स को कि विजय इस रोल के लिए परफेक्टली सूट बैठ रहे जहां पे कैटरीना कैब की चॉइस पहले से थी लेकिन विजय के रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर होने वाला था डायरेक्टर को उनको लेने वाले थे लेकिन जैसे स्क्रिप्ट तैयार हुई उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये रोल उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा संजय कपूर इस फिल्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे लेकिन वो सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए वहीं पे राधिका शरद कुमार का एक तमिल वर्जन के लिए रोल साइन किया हुआ है वहीं पे जो राधिका शरद कुमार तमिल वर्जन में रोल प्ले करे अगस्त महीने में उसका एक अनाउंसमेंट हुआ था हिंदी वर्जन में वो रोल भी नहीं पाठक प्ले करेंगे इसके अलावा कुछ की रोल से जो इस फिल्म में बाद में ऑन अनाउंस किए गए थे जुलाई 2023 में पता चला था कश्विन काल से करा दिखाते इस फिल्म में कुछ के म्यूजिक में काम करने वाली है इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है फिल्म की वो 25 दिसंबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी पहला शेड्यूल मुंबई में था शूटिंग को हॉल पर रखा था जहाँ पे जनवरी 2022 तक कोविड केस बढ़ रहे थे उस वजह से शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई थी फरवरी में फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में संजय कपूर ने अपने पोर्शन की शूटिंग है वो मार्च महीने में स्टार्ट की हुई थी कैटरीना के अपने कंटिन्यूस शूटिंग है वो अपने पोर्शन की है वो ग्यारह मार्च से स्टार्ट की हुई थी पहला शेड्यूल मार्च में महीने में ही कम्प्लीट करवाया गया था सेकंड शेड्यूल था वो मार्च को चित्रकूट में तुरंत स्टार्ट करवा दिया गया था और वो शेड्यूल काफ़ी लंबा था करीबन 45 दिनों लंबा शेड्यूल था जहाँ पे हिंदी तमिल दोनों वजन साथ ही में शूट हो रहे थे राधिका शरद कुमार ने अपने तमिल पोर्सन की शूटिंग है वो अप्रैल महीने में स्टार्ट की हुई थी कुछ फायर एक्सीडेंट के चलते शूटिंग अगस्त महीने में रोकनी पड़ी थी शेड्यूल बाद में चेंज करना पड़ा था और लोकेसन बाद में वृंदावन स्टूडियो में ट्रांसफ़र की गई थी सेकंड शेड्यूल को बाद में नवंबर तक फिनिश करवाया गया तीसरा शेड्यूल था वो नवंबर में ही मुंबई में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे es este filme कैटरीना के फो सेपति और कैरीना के विजय सेतुपति और संजय कपूर के साथ में जो कुछ सीन्स थे वो वहाँ पर फिल्म गए थे और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है उसको जनवरी 2023 तक पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्मेशन के साथ रेपअप किया गया था विजय सेतुपति के बर्थडे के मौके के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट करवाया हुआ था जब लास्ट शेड्यूल चल रहा था उसी समय से स्टार्ट करवा दिया गया था विजय राघव ने मई दो में रिवील किया हुआ था कि फिल्म डबल लैंग्वेज में शूट की हुई साइमन टेल हिंदी और तमिल वर्जन में शूट की गई है जहाँ पे विजय राघवन और कैटरीना कैपिक्स दोनों का तमिल डेब्यू कह सकते इस तरह से और बाद में इनके साथ अलग अलग को एक्टर्स को लेकर इस फिल्म में तमिल और हिंदी वर्जन के लिए अलग अलग एक्टर्स लेकर प्रॉपर शूटिंग की गई है दीपा वेंकट जो डबिंग आर्टिस्ट थे उन्होंने कैटरीना कैफ के लिए वॉइस ओवर दी हुए तमिल वर्जन के लिए राधिका शरद कुमार ने विजय तो पाठक ने जो हिंदी वर्जन रोल प्ले किया वो तमिल में रिप्राइज किया हुआ था तो ये कुछ चीजें थी जिसके बाद में इनको पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाने के बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक के राइट्स की बात करें तो टिप्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी वालों ने टिप्स म्यूजिक के अंडर इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे थे फिल्म के गाने प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे देखा जाए ऑफिशियल उनका एक तमिल डेब्यू था पहला से टाइटल था मेरी क्रिसमस टाइटल ट्रैक हिंदी ट्रैक लिस्टिंग पहले कर देते हैं मेरी क्रिसमस का जो टाइटल ट्रैक था उसको इस किंग ने गाया हुआ था वरुण ग्रोवर ने उसके लिरिक्स लिखे हुए थे उस टाइटल ट्रैक को 25 दिसंबर 2023 तक रिलीज़ करवाया था नज़र तेरी तूफान गाने को पपन ने गाया हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था और इसको सेकंड सिंगल के तौर पे 4 जनवरी 2024 को टिप्स म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था रात अकेली थी गाने को दस जनवरी दो को टिप्स म्यूज़िक वालों ने रिलीज़ करवाया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया हुआ था अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था ठीक उसी तरह तमिल ट्रैक लिस्टिंग करें तो मेरी क्रिसमस टाइटल है उसको योगा भारती ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया था बेनी दयाल ने गाया हुआ था अनबी विदय गाने को प्रीतम ने म्यूजिक दिया था युगा भारती ने लिखा था और श्री रामचंद्रा ने उसको गाया हुआ था कंदा धदाई करके जो कडाल करके जो है उसको कार्तिक ने गाया हुआ था योगा भारती ने लिखा था और प्रीतम ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से तीन तीन गाने दोनों वर्जन में रखे हुए थे ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के तमिल और टिप्स म्यूजिक के हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया वैसे इस फिल्म के साथ हिंदी में हनुमान का हनुमान का जो तेलुगु वर्जन फिल्म है पेन इंडिया उसका डट वर्जन सेंधा वैसे कई फिल्में कैप्टन मिलर रिलीज़ हुई है वैसे प्रॉपर हिंदी एक ही फिल्म रिलीज़ हुई है जहाँ पे इस फिल्म को डिसेंट स्क्रीन टाइम सॉरी स्क्रीन मिले हुए वैसे फिल्म पहले तेईस दिसंबर 2022 को आने वाली थी प्रोडक्शन डिले हुआ उसके बाद में इस फिल्म को तेईस दिसंबर 2023 के लिए पोस्टपोन किया गया लेकिन फिर से रिशेड्यूल करते हुए बारह जनवरी दो को फिल्म का रिलीज़ किया इस फिल्म को जब रिलीज़ किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म फिलहाल में इस फिल्म को आईएमडीबी पे पाँच वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे कुछ चीज़ों की काफ़ी तारीफ़ की गई कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया जिस तरह से फिल्म का रन टाइम था जिस तरह से फिल्म की पेस चल रही थी उसकी क्रिटिसिज्म मिली हुए लेकिन इस फिल्म में जो डिरेक्शन देखने को मिलता है स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस सिनेमेटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर इन सभी चीज़ों की तारीफ़ की गई थी तो प्रोटॉय इन सभी चीज़ों को जनरली क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था वैसे अगर आप इस फिल्म को अंधा से कंपेयर करने चलते हो तो शायद थोड़ा कम आपको लगेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई है जहाँ पे जिस तरह से कैटरीना के पी जैसे तो का दोनों का कॉम्बो दिखाया है उनकी केमिस्ट्री दिखाई वो डेफिनेटली पसंद आएगी फिल्म में जिस तरह से ट्विस्ट और टांस चलते हैं सेकंड हाफ में जो चीज़ें अचानक कटने लगती है जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है वैसे श्री राम राघवन का सिनेमेटिक यूनिवर्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी लीड रोल से लेकर सपोर्टिंग रोल्स तक उनके किरदार अच्छी तरह से लिखे गए थे हाँ फिल्म की पेस स्लो थी जिस तरह जो रन टाइम था वो थोड़ा लंबा महसूस हो रहा था क्योंकि फिल्म काफी धीरे चल रही थी आसानी से 10-15 मिनट जितने इस फिल्म को चॉप ऑफ किया जा सकता था अदरवाइज इस फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो क्राइम देखने को मिलता है उसमें जो सभी चीजें इनपुट की हुई डायरेक्टर ने वो बखूबी काफी बढ़िया है मेरी क्रिस्पेस अनडाउटेडली आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस डेफिनेटली देखी जाएगी फिलहाल में कितनी कुछ फिल्में आई हुई है उसमें आपको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी जहां पे विजय सेतुपति एक और सॉलिड परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं कटिना के आप अपनी तरफ से परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते नजर आते हैं तो एक अच्छी फिल्म है इसे डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली फिलहाल में रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का पहले दिन का हिंदी का नेट कलेक्शन दो करोड़ तीस लाख का निकल के आया हुआ है तो ठीक ठाक ओपनिंग ली हुई है लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को डेफिनेटली एक लंबा रन देगा और फिल्म अच्छा आसानी से कलेक्ट कर सकती है ओ राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पर उन्होंने करीबन साठ करोड़ रुपये देकर इस फिल्म के ओ राइट्स खरीदे हुए तो थिएट्रिकल रन कम्प्लीट होने के बाद ये फिल्म एक दो महीने के बाद आपको ऑफिशियली ओ टी नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन मेरी क्रिसमस नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी क्रिसमस फिल्म 12 जनवरी 2024 से थिएटर में रिलीज हुई है फिलहाल मैं वहाँ पे जाकर एंजॉय कर सकते हो अदरवाइज आपको ओ पे देखनी है तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से मेरी क्रिसमस फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे मेरी क्रिसमस जो दो की इंडियन न्यू ईयर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है ये एक बायोलिंग फिल्म थी जिसको तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में क्रिएट किया हुआ है एक फ्रेंच में नोवेले ले मोनते चाज जो फ्रेडरिक डाल्ट के द्वारा लिखी गई है उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म को हिंदी तमिल में बारी बारी से शूट किया गया था जहाँ पे तमिल के लिए और हिंदी के लिए जो एक्ट्रेस है वो एक्टर्स है उसमें कुछ कॉमन एक्टर्स है वहीं पे कुछ एक्टर्स है वो आपको डेफिनेटली अलग, अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग, अलग देखने को मिलेंगे डायरेक्शन श्री राम राघवन का देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उन स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन जो राइटिंग है उसमें हिंदी वर्जन में श्री राम राघवन के साथ साथ अरिजीत विश्वास पूजा अल्लाधा सूरती और अनुकृत पांडे ने लिखा हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन है वो प्रदीप कुमार एस अब्दुल जब्बार प्रसन्न बाला नटराजन और लात लता काथिकेयन ने लिखा हुआ है हिंदी का जो तमिल एडप्टेशन है वो उन्होंने किया हुआ है रमेश तोरानी जया तोरानी संजय रोत्री और केवलगर के द्वारा इस फिल्म को करीबन बताया जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ में बनाया हुआ है लीड रोल में कैटरीना विजय सेतुपति है इस फिल्म को टिप्स फिल्म्स और मेजबॉक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ है फिल्म में वहीं पे इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में यूएफर मूवीज हिंदी वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे पैन मरुदकर करके तो द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मधु नीलाकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग पूजा लदा सुरती ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म को 145 मिनट यानी कि दो घंटे 15 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए डेनियल बी जॉर्ज का आपको सुनने को मिलेगा म्यूजिक के राइट्स टिप्स म्यूजिक के पास है फिल्म में तीन तीन गाने रखे हुए दोनों वर्जन के लिए लीड कास्ट की बात करें तो कैटरीना के फिल्ट लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे मारिया कुमार का विजय सेतुपति ने एल्बर्ट रमेश का रोल प्ले किया हुआ है अश्वनी कालशेखर रोनी की वाइफ का रोल प्ले करते हुई नजर आएंगी इसके अलावा राजी का आफ्ते रोसी का रोल रोजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जिनका केमियो है गायत्री का भी एक केमियो देखने को मिलेगा सिंगर के तौर पे तो वो का भी देखने को मिलता है वहीं पे हिंदी कास्टिंग की बात करें इसके अलावा ये मेन कास्ट है दोनों वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए संजय कपूर जो सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं रोन, रोनी के रोल में विजय पाठक ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है प्रतिमा काजमी ने पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है तीनु आनंद यादव अंकल का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर तमिल वर्जन के लिए जो राधिका शरद कुमार है वो पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी पी का रोल प्ले करते नजर आएंगे करेंगे जो विनय पाठक रोल प्ले करें हिंदी वजन वाला वो प्ले कर रही है सनमुगम ने इस फिल्म में पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कविन जय बाबू रोनी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके अलावा राजेश इस, तो इस फिल्म में अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है दोनों वजन के लिए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली जनवरी 2021 में की गई थी कैटरीना कैफ के ने एक फिल्म साइन की हुई थी जहां पे उनके साथ बस कुछ सोर्स से पता चला था कि विजय सेतुपति लीड रोल में होने वाले तो अनयूजल कास्ट थी जहां पे श्री राम राघवन इनको टीरेक करेंगे जिन्होंने लास्ट फिल्म अंधाधुन जैसी ब्लॉक दी हुई है इस फिल्म की लॉन्चिंग थी वो अप्रैल महीने में नेम की गई थी लेकिन सेकंड वेव जो कोविड का चल रहा था उसके चलते कैटरीना भी उसमें कोविड पॉजिटिव पाई गई थी जिसके चलते लॉन्च था वो डिले गया 25 दिसंबर को फिल्म को ऑफिशियली रमेश तोरानी और संजय रोत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था वो उन्होंने बताया था वो एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए कास्टिंग के ऊपर प्रोड्यूसर रमेश ने कहा था ई टाइम्स को कि विजय इस रोल के लिए परफेक्टली सूट बैठ रहे जहाँ पे कैटरीना कैब की चॉइस पहले से ही थी लेकिन विजय के रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर होने वाला था डायरेक्टर को उनको लेने वाले थे लेकिन जैसे स्क्रिप्ट तैयार हुई उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये रोल उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा संजय कपूर इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे लेकिन वो सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए वहीं पर राधिका शरद कुमार का एक तमिल वर्जन के लिए रोल साइन किया हुआ है वहीं पर जो राधिका शरद कुमार तमिल वर्जन में रोल प्ले करे अगस्त महीने में उसका एक अनाउंसमेंट हुआ था हिंदी वजन में वो रोल विनय पाठक प्ले करेंगे इसके अलावा कुछ की रोल्स जो इस फिल्म में बाद में ऑन अनाउंस किए गए थे जुलाई 2023 में पता चला था कि का अश्विन काल से करा दिखाते इस फिल्म में कुछ के म्यूजिक में काम करने वाली है इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है फिल्म की वो 25 दिसंबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी पहला शेड्यूल मुंबई में था शूटिंग को हॉल पर रखा था जहाँ पे जनवरी 2022 तक कोविड केस बढ़ रहे थे उस वजह से शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई थी फरवरी में फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में संजय कपूर ने अपने पोर्शन की शूटिंग है वो मार्च महीने में स्टार्ट की हुई थी कैटरीना के अपने कंटिन्यूस शूटिंग है वो अपने पोर्शन की है, वो ग्यारह मार्च से स्टार्ट की हुई थी पहला शेड्यूल मार्च में महीने में ही कम्प्लीट करवाया गया था सेकंड शेड्यूल था वो उन्नीस मार्च को चित्रकूट में तुरंत स्टार्ट करवा दिया गया था और वो शेड्यूल काफ़ी लंबा था करीबन पैंतालीस दिनों लंबा शेड्यूल था जहाँ पे हिंदी तमिल दोनों वजन साथ ही में शूट हो रहे थे राधिका शरद कुमार ने अपने तमिल पोर्सन की शूटिंग है वो अप्रैल महीने में स्टार्ट की हुई थी कुछ फायर एक्सीडेंट के चलते शूटिंग अगस्त महीने में रोकनी पड़ी थी शेड्यूल बाद में चेंज करना पड़ा था और लोकेसन बाद में वृंदावन स्टूडियो में ट्रांसफर की गई थी सेकंड शेड्यूल को बाद में नवंबर तक फिनिश करवाया गया तीसरा शेड्यूल था वो नवंबर में ही मुंबई में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में कैटरीना के फुसुपति के और कैटरीना के विजय सेतुपति और संजय कपूर के साथ में जो कुछ सीन्स थे वो वहाँ पर फिल्माए गए थे और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है उसको जनवरी 2023 तक पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्मेशन के साथ रेपअप किया गया था विजय सेतुपति के बर्थडे के मौके के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट करवाया हुआ था जब लास्ट शेड्यूल चल रहा था उसी समय से स्टार्ट करवा दिया गया था विजय राघवन ने मई दो में रिवील किया हुआ था कि फिल्म डबल लैंग्वेज में शूट की हुई है साइमन टेल्स हिंदी और तमिल वर्जन में शूट की गई है जहाँ पे विजय राघवन और कैटरीना केविक्स दोनों का तमिल डेब्यू कह सकते इस तरह से और बाद में इनके साथ अलग अलग को एक्टर्स को लेकर इस फिल्म में तमिल और हिंदी वर्जन के लिए अलग अलग एक्टर्स लेकर प्रॉपर शूटिंग की गई है दीपा वेंकट जो डबिंग आर्टिस्ट है उन्होंने कैटरीना कैफ के लिए वॉइस ओवर दी हुए तमिल वर्जन के लिए राधिका शरद कुमार ने विजय तो पाठक ने जो हिंदी वर्जन रोल प्ले किया वो तमिल में रिप्राइज किया हुआ था तो ये कुछ चीजें थी जिसके बाद में इनको पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाने के बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक के राइट्स की बात करें तो टिप्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी वालों ने टिप्स म्यूजिक के अंडर इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे थे फिल्म के गाने प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे देखा जाए ऑफिशियल उनका एक तमिल डेब्यू था पहला से टाइटल था मेरी क्रिसमस टाइटल ट्रैक हिंदी ट्रैक लिस्टिंग पहले कर देते हैं मेरी क्रिसमस का जो टाइटल ट्रैक था उसको इस किंग ने गाया हुआ था वरुण ग्रोवर ने उसके लिरिक्स लिखे हुए थे उस टाइटल ट्रैक को 25 दिसंबर दिस 2023 तक रिलीज़ करवाया था नज़र तेरी तूफान गाने को पपन ने गाया हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था और इसको सेकंड सिंगल के तौर पे 4 जनवरी 2024 को टिप्स म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था रात अकेली थी गाने को दस जनवरी दो को टिप्स म्यूज़िक वालों ने रिलीज़ करवाया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया हुआ था अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था ठीक उसी तरह तमिल ट्रक लिस्टिंग करे तो मेरी क्रिसमस टाइटल है उसको युगा भारती ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया था बेनी दयाल ने गाया हुआ था अनबे विदय गाने को प्रीतम ने म्यूजिक दिया था युगा भारती ने लिखा था और श्री रामचंद्रा ने उसको गाया हुआ था कंदा धदाई करके जो कड़ाल करके जो गाना है उसको कार्तिक ने गाया हुआ था युगा भारती ने लिखा था और प्रीतम ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से तीन तीन गाने दोनों वर्जन में रखे हुए थे ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के तमिल और टिप्स म्यूजिक के हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया वैसे इस फिल्म के साथ हिंदी में हनुमान का हनुमान का जो तेलुगु वर्जन फिल्म है पेन इंडिया उसका डब्ड वर्जन सेंध वैसे कई फिल्में कैप्टन मिलर रिलीज़ हुई है वैसे प्रॉपर हिंदी एक ही फिल्म रिलीज़ हुई है जहाँ पे इस फिल्म को डिसेंट स्क्रीन टाइम सॉरी स्क्रीन मिले हुए वैसे फिल्म पहले तेईस दिसंबर 2022 को आने वाली थी प्रोडक्शन डिले हुआ उसके बाद में इस फिल्म को कोई दिसंबर 2023 के लिए पोस्टपोन किया गया लेकिन फिर से रिशेड्यूल करते हुए 12 जनवरी 2024 को फिल्म का रिलीज़ किया इस फिल्म को जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला फिल्म फिलहाल में इस फिल्म को आई पे पाँच वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे कुछ चीज़ों की काफ़ी तारीफ़ की गई कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया जिस तरह से फिल्म का रन टाइम था जिस तरह से फिल्म की पेस चल रही थी उसकी क्रिटिसिज्म मिली हुई है लेकिन इस फिल्म में जो डिरेक्शन देखने को मिलता है स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसेस सिनेमेटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर इन सभी चीज़ों की तारीफ़ की गई थी तो प्रोटे बॉय इन सभी चीज़ों को जनरल क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था वैसे अगर आप इस फिल्म को अंधाधुंध से कंपेयर करने चलते हो तो शायद थोड़ा कम आपको लगेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई है जहाँ पे जिस तरह से कैटरीना के पी जैसे तो का दोनों का कॉम्बो दिखाया है उनकी केमिस्ट्री दिखाई वो डेफिनेटली पसंद आएगी फिल्म में जिस तरह से ट्विस्ट और टांस चलते हैं सेकंड हाफ में जो चीज़ें अचानक कटने लगती है जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है वैसे श्री राम राघवन का सिनेमेटिक यूनिवर्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी लीड रोल से लेकर सपोर्टिंग रोल्स तक उनके किरदार अच्छी तरह से लिखे गए थे हाँ फिल्म की पेस स्लो थी जिस तरह से जो रन टाइम था वो थोड़ा लंबा महसूस हो रहा था क्योंकि फिल्म काफी धीरे चल रही थी आसानी से 10-15 मिनट जितने इस फिल्म को चॉप ऑफ किया जा सकता था अदरवाइज इस फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो क्राइम देखने को मिलता है उसमें जो सभी चीजें इनपुट की हुई डायरेक्टर ने वो बखूबी काफी बढ़िया है मेरी क्रिस्पेस अनडाउटेडली आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस डेफिनेटली देखी जाएगी फिलहाल में कितनी कुछ फिल्में आई हुई है उसमें आपको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी जहां पे विजय सेतुपति एक और सॉलिड परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं कैटरीना के अपनी तरफ से परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते नजर आते तो एक अच्छी फिल्म है इसे डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली फिलहाल में रिलीज किया हुआ है जहां पर फिल्म का पहले दिन का हिंदी का नेट कलेक्शन 2 करोड़ 30 लाख का निकल के आया हुआ है तो ठीक-ठाक ओपनिंग ली हुई है लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को डेफिनेटली एक लंबा रन देगा और फिल्म अच्छा आसानी से कलेक्ट कर सकती है ओ टी टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने करीबन साठ करोड़ रुपए देकर इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स खरीदे हुए तो थिएट्रिकल रन कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म एक दो महीने के बाद आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मेरी क्रिसमस नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी क्रिसमस फिल्म बारह जनवरी दो हज़ार चौबीस से थिएटर में रिलीज हुई है फिलहाल मैं वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हो अदरवाइज आपको ओ टी टी पर देखनी है तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल टाइटल भी सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से मेरी क्रिसमस फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे मेरी क्रिसमस जो 2024 की इंडियन न्यू ईयर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है ये एक बायोलिंग फिल्म थी जिसको तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में क्रिएट किया हुआ है एक फ्रेंच में नोवेले ले मोनते चाज जो फ्रेडरिक डाल्ट के द्वारा लिखी गई है उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म को हिंदी तमिल में बारी बारी से शूट किया गया था जहाँ पे तमिल के लिए और हिंदी के लिए जो एक्ट्रेस है वो एक्टर्स है उसमें कुछ कॉमन एक्टर्स है वहीं पे कुछ एक्टर्स है वो आपको डेफिनेटली अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग देखने को मिलेंगे डायरेक्शन श्री राम राघवन का देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उन स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन जो राइटिंग है उसमें हिंदी वर्जन में श्री राम राघवन के साथ साथ अरिजीत विश्वास पूजा अल्लाधा सूरती और अनुकृत पांडे ने लिखा हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन है वो प्रदीप कुमार एस अब्दुल जब्बार प्रसन्न बाला नटराजन और लात लता काथिकेयन ने लिखा हुआ है हिंदी का जो तमिल एडप्टेशन है वो उन्होंने किया हुआ है रमेश तोरानी जया तोरानी संजय रोत्री और केवलगर के द्वारा इस फिल्म को करीबन बताया जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ में बनाया हुआ है लीड रोल में कैटरीना विजय सेतुपति है इस फिल्म को टिप्स फिल्म्स और मेजबॉक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ है फिल्म में वहीं पे इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में यूएफर मूवीज हिंदी वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे पैन मरुदकर करके तो द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मधु नीलाकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग पूजा लदा सुरती ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म को 145 मिनट यानी कि दो घंटे 15 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए डेनियल बी जॉर्ज का आपको सुनने को मिलेगा म्यूजिक के राइट्स टिप्स म्यूजिक के पास है फिल्म में तीन तीन गाने रखे हुए दोनों वर्जन के लिए लीड कास्ट की बात करें तो कैटरीना के फिल्ट लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे मारिया कुमार का विजय सेतुपति तो ने एल्बर्ट रमेश का रोल प्ले किया हुआ है अश्वनी कालशेखर रोनी की वाइफ का रोल प्ले करते हुई नजर आएंगी इसके अलावा राजी का आफ्ते रोसी का रोल रोजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जिनका केमियो है गायत्री का भी एक केमियो देखने को मिलेगा सिंगर के तौर पे तो वो का भी देखने को मिलता है वहीं पे हिंदी कास्टिंग की बात करें इसके अलावा ये मेन कास्ट है दोनों वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए संजय कपूर जो सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं रोन, रोनी के रोल में विजय पाठक ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है प्रतिमा काजमी ने पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है तीनु आनंद यादव अंकल का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर तमिल वर्जन के लिए जो राधिका शरद कुमार है वो पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी पी का रोल प्ले करते नजर आएंगे करेंगे जो विनय पाठक रोल प्ले करे हिंदी वर्जन वाला वो प्ले कर रही है सनमुगम ने इस फिल्म में पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कविन जय बाबू रोनी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके अलावा राजेश इस, तो इस फिल्म में अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है दोनों वजन के लिए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली जनवरी 2021 में की गई थी कैटरीना कैफ ने एक फिल्म साइन की हुई थी जहां पे उनके साथ बस कुछ सोर्स से पता चला था कि विजय सेतुपति लीड रोल में होने वाले तो अनयूजल कास्ट थी जहां पे श्री राम राघव को टीरेक करेंगे जिन्होंने लास्ट फिल्म अंधाधुन जैसी ब्लॉक दी हुई है इस फिल्म की लॉन्चिंग थी वो अप्रैल महीने में नेम की गई थी लेकिन सेकंड वेव जो कोविड का चल रहा था उसके चलते कैटरीना भी उसमें कोविड पॉजिटिव पाई गई थी जिसके चलते लॉन्च था वो डिले रखा गया 25 दिसंबर को फिल्म को ऑफिशियली रमेश तोरानी और संजय रोत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था वो उन्होंने बताया था वो एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए कास्टिंग के ऊपर प्रोड्यूसर रमेश ने कहा था टाइम्स को कि विजय इस रोल के लिए परफेक्टली सूट बैठ रहे जहाँ पे कैटरीना कैब की चॉइस पहले से ही थी लेकिन विजय के रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर होने वाला था डायरेक्टर को उनको लेने वाले थे लेकिन जैसे स्क्रिप्ट तैयार हुई उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये रोल उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा संजय कपूर इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे लेकिन वो सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए वहीं पर राधिका शरद कुमार का एक तमिल वर्जन के लिए रोल साइन किया हुआ है वहीं पर जो राधिका शरद कुमार तमिल वर्जन में रोल प्ले करे अगस्त महीने में उसका एक अनाउंसमेंट हुआ था हिंदी वजन में वो रोल विनय पाठक प्ले करेंगे इसके अलावा कुछ की रोल्स जो इस फिल्म में बाद में ऑन अनाउंस किए गए थे जुलाई 2023 में पता चला था कि अश्विन काल से करा दिखाते इस फिल्म में कुछ के म्यूजिक में काम करने वाली है इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है फिल्म की वो 25 दिसंबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी पहला मुंबई में था शूटिंग को हॉल पर रखा था जहाँ पे जनवरी 2022 तक कोविड केस बढ़ रहे थे उस वजह से शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई थी फरवरी में फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में संजय कपूर ने अपने पोर्शन की शूटिंग है वो मार्च महीने में स्टार्ट की हुई थी कैटरीना के अपने कंटिन्यूस शूटिंग है वो अपने पोर्शन की है वो ग्यारह मार्च से स्टार्ट की हुई थी पहला शेड्यूल मार्च में महीने में ही कंप्लीट करवाया गया था सेकंड शेड्यूल था वो मार्च को चित्रकूट में तुरंत स्टार्ट करवा दिया गया था और वो शेड्यूल काफ़ी लंबा था करीबन पैंतालीस दिनों लंबा शेड्यूल था जहाँ पे हिंदी तमिल दोनों वजन साथ ही में शूट हो रहे थे राधिका शरद कुमार ने अपने तमिल पोर्सन की शूटिंग है वो अप्रैल महीने में स्टार्ट की हुई थी कुछ फायर एक्सीडेंट के चलते शूटिंग अगस्त महीने में रोकनी पड़ी थी शेड्यूल बाद में चेंज करना पड़ा था और लोकेसन बाद में वृंदावन स्टूडियो में ट्रांसफ़र की गई थी सेकंड शेड्यूल को बाद में नवंबर तक फिनिश करवाया गया तीसरा शेड्यूल था वो नवंबर में ही मुंबई में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में कैटरीना के फोर का कैटरीना के विजय सेतुपति और संजय कपूर के साथ में जो कुछ सीन्स थे वो वहां पर फिल्माए गए थे और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है उसको जनवरी 2023 तक पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्मेशन के साथ रेपअप किया गया था विजय सेतुपति के बर्थडे के मौके के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट करवाया हुआ था जब लास्ट शेड्यूल चल रहा था उसी समय से स्टार्ट करवा दिया गया था विजय राघवन ने मई दो में रिवील किया हुआ था कि ये फिल्म डबल लैंग्वेज में शूट की हुई है साइमन टेल्स हिंदी और तमिल वर्जन में शूट की गई है जहाँ पे विजय राघवन और कैटरीना केविक्स दोनों का तमिल डेब्यू कह सकते इस तरह से और बाद में इनके साथ अलग अलग को एक्टर्स को लेकर इस फिल्म में तमिल और हिंदी वर्जन के लिए अलग अलग एक्टर्स लेकर प्रॉपर शूटिंग की गई है दीपा वेंकट जो डबिंग आर्टिस्ट है उन्होंने कैटरीना के केब के लिए वॉइस ओवर दी हुए तमिल वर्जन के लिए राधिका शरद कुमार ने विजय तो पाठक ने जो हिंदी वर्जन रोल प्ले किया वो तमिल में रिप्राइज किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बाद में इनको पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कम्प्लीट करवाने के बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक के राइट्स की बात करें तो टिप्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी वालों ने टिप्स म्यूजिक के अंडर इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे थे फिल्म के गाने प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे देखा जाए ऑफिशियल उनका एक तमिल डेब्यू था पहला से टाइटल था मेरी क्रिसमस टाइटल ट्रैक हिंदी ट्रैक लिस्टिंग पहले कर देते मेरी क्रिसमस का जो टाइटल ट्रैक था उसको एस किंग ने गाया हुआ था वरुण ग्रोवर ने उसके लिरिक्स लिखे हुए थे उस टाइटल ट्रैक को 25 दिसंबर 2023 तक रिलीज़ करवाया था नजर तेरी तूफान गाने को पपन ने गाया हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था और इसको सेकंड सिंगल के तौर पे 4 जनवरी 2024 को टिप्स म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था रात अकेली थी गाने को दस जनवरी दो को टिप्स म्यूज़िक वालों ने रिलीज़ करवाया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया हुआ था अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था ठीक उसी तरह तमिल ट्रैक लिस्टिंग करें तो मेरी क्रिसमस टाइटल है उसको योगा भारती ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया था बेनी दयाल ने गाया हुआ था अनबी गाने को प्रीतम ने म्यूजिक दिया था युगा भारती ने लिखा था और श्री रामचंद्रा ने उसको गाया हुआ था कंदा धदाई करके जो कड़ाल करके जो गाना है उसको कार्तिक ने गाया हुआ था योगा भारती ने लिखा था और प्रीतम ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से तीन तीन गाने दोनों वर्जन में रखे हुए थे ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के तमिल और टिप्स म्यूजिक के हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया वैसे इस फिल्म के साथ हिंदी में हनुमान का हनुमान का जो तेलुगु वर्जन फिल्म पेन इंडिया उसका डब्ड वर्जन सेंध वैसे कई फिल्में कैप्टन मिलर रिलीज़ हुई है वैसे प्रॉपर हिंदी एक ही फिल्म रिलीज़ हुई है जहाँ पे इस फिल्म को डिसेंट स्क्रीन टाइम सॉरी स्क्रीन मिले हुए वैसे फिल्म पहले तेईस दिसंबर 2022 को आने वाली थी प्रोडक्शन डिले हुआ उसके बाद में इस फिल्म को कोई दिसंबर 2023 के लिए पोस्टपोन किया गया लेकिन फिर से रिशेड्यूल करते हुए 12 जनवरी 2024 को फिल्म का रिलीज़ किया इस फिल्म को जब रिलीज़ किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला फिल्म फिलहाल में इस फिल्म को आई पे पाँच वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे कुछ चीज़ों की काफ़ी तारीफ़ की गई कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया जिस तरह से फिल्म का रन टाइम था जिस तरह से फिल्म की पेस चल रही थी उसकी क्रिटिसिज्म मिली हुई है लेकिन इस फिल्म में जो डिरेक्शन देखने को मिलता है स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस सिनेमेटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर इन सभी चीज़ों की तारीफ़ की गई थी तो प्रोटेव बॉय इन सभी चीज़ों को जनरली क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था वैसे अगर आप इस फिल्म को अंधाधुंध से कंपेयर करने चलते हो तो शायद थोड़ा कम आपको लगेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई है जहाँ पे जिस तरह से कैटरीना के, के विजय से का दोनों का कॉम्बो दिखाया है उनकी केमिस्ट्री दिखाई वो डेफिनेटली पसंद आएगी फिल्म में जिस तरह से ट्विस्ट और टांस चलते हैं सेकंड हाफ में जो चीज़ें अचानक कटने लगती है जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है वैसे श्री राम राघवन का सिनेमेटिक यूनिवर्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी लीड रोल से लेकर सपोर्टिंग रोल्स तक उनके किरदार अच्छी तरह से लिखे गए थे हाँ फिल्म की पेस स्लो थी जिस तरह से जो रन टाइम था वो थोड़ा लंबा महसूस हो रहा था क्योंकि फिल्म काफी धीरे चल रही थी आसानी से 10-15 मिनट जितने इस फिल्म को चॉप ऑफ किया जा सकता था अदरवाइज इस फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो क्राइम देखने को मिलता है उसमें जो सभी चीजें इनपुट की हुई डायरेक्टर ने वो बखूबी काफी बढ़िया है मेरी क्रिस्पेस अनडाउटेडली आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस डेफिनेटली देखी जाएगी फिलहाल में कितनी कुछ फिल्में आई हुई है उसमें आपको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी जहां पे विजय सेतुपति एक और सॉलिड परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं कैटरीना काएप अपनी तरफ से परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते नजर आते हैं तो एक अच्छी फिल्म है इसे डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली फिलहाल में रिलीज किया हुआ है यहां पे फिल्म का पहले दिन का हिंदी का नेट कलेक्शन 2 करोड़ 30 लाख का निकल के आया हुआ है तो ठीक-ठाक ओपनिंग ली हुई है लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को डेफिनेटली एक लंबा रन देगा और फिल्म अच्छा आसानी से कलेक्ट कर सकती है ओ टी टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने करीबन साठ करोड़ रुपए देकर इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स खरीदे हुए तो थिएट्रिकल रन कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म एक दो महीने के बाद आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मेरी क्रिसमस नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी क्रिसमस फिल्म बारह जनवरी दो हज़ार चौबीस से थिएटर में रिलीज़ हुई है फिलहाल मैं वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हो अदरवाइज आपको ओ पे देखनी है तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से मेरी क्रिसमस फिल्म आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे मेरी क्रिसमस जो 2024 की इंडियन न्यूनॉर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंग्वेल फिल्म थी जिसको तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में क्रिएट किया हुआ है एक फ्रेंच में नावेल है ले मोन्ते चार्ज जो फ्रेडरिक डाल के द्वारा लिखी गई है उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म को हिंदी तमिल में बारी बारी से शूट किया गया था जहाँ पे तमिल के लिए और हिंदी के लिए जो एक्ट्रेस है वो एक्टर्स है उसमें कुछ कॉमन एक्टर्स है वहीं पे कुछ एक्टर्स है वो आपको डेफिनेटली अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग देखने को मिलेंगे डायरेक्शन श्री राम राघवन का देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उन स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन जो राइटिंग है उसमें हिंदी वर्जन में श्री राम राघवन के साथ साथ अरिजीत विश्वास पूजा लाधा सूरती और अनुकृत पांडे ने लिखा हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन है वो प्रदीप कुमार एस अब्दुल जब्बार प्रसन्न बाला नटराजन और लता कातिकेयन ने लिखा हुआ है हिंदी का जो तमिल एडप्टेशन है वो उन्होंने किया हुआ है रमेश तोरानी जया तोरानी संजय रोत्री और केवलगर के द्वारा इस फिल्म को करीबन बताया जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ में बनाया हुआ है लीड रोल में कैटरीना विजय सेतुपति है इस फिल्म को टिप्स फिल्म्स और मेजबॉक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ है फिल्म में वहीं पे इस फिल्म की टे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में यूएफओ मूवीज़ हिंदी वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे पेन मरुदकर के तो द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मधु नीला कंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग पूजा लदा सुरती ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म को 145 मिनट यानी कि दो घंटे 15 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए डेनियल बी जॉर्ज का आपको सुनने को मिलेगा म्यूजिक के राइट्स टिप्स म्यूजिक के पास है फिल्म में तीन तीन गाने रखे हुए दोनों वर्जन के लिए लीड कास्ट की बात करें तो कैटरीना के फिल्ट लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे मारिया कुमार का विजय सेतुपति ने एल्बर्ट रमेश का रोल प्ले किया हुआ है अश्वनी कालशेखर रोनी की वाइफ का रोल प्ले करते हुई नजर आएंगी इसके अलावा राजी का आफ्ते रोसी का रोल रोजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जिनका केमियो है गायत्री का भी एक केमियो देखने को मिलेगा सिंगर के तौर पे तो वो केम्योपीडेंस उनका भी देखने को मिलता है वहीं पे हिंदी कास्टिंग की बात करें इसके अलावा ये मेन कास्ट है दोनों वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए संजय कपूर जो सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं रोनू के रोनी के रोल में विजय विनय पाठक ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है प्रतिमा काजमी ने पुलिस कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है तीनू आनंद यादव अंकल का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर तमिल वर्जन के लिए जो राधिका शरद कुमार है वो पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी पी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो विनय पाठक रोल प्ले करें हिंदी वर्जन वाला वो प्ले कर रही है सनमुगन ने इस फिल्म में पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कविन जय बाबू रोनी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके अलावा राजेश इस, तो इस फिल्म में अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है दोनों वजन के लिए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली जनवरी 2021 में की गई थी कैटरीना कैफ ने एक फिल्म साइन की हुई थी जहां पे उनके साथ बस कुछ सोर्स से पता चला था कि विजय सेतुपति लीड रोल में होने वाले तो अनयूजल कास्ट थी जहां पे श्री राम राघवन को डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने लास्ट फिल्म अंधाधुन जैसी ब्लॉकबस्टर दी हुई है इस फिल्म की लॉन्चिंग थी वो अप्रैल महीने में की गई थी लेकिन सेकंड वेव जो कोविड का चल रहा था उसके चलते कैटरीना भी उसमें कोविड पॉजिटिव पाई गई थी जिसके चलते लॉन्च था वो डिले रखा गया पच्चीस दिसंबर को फिल्म को ऑफिशियली रमेश तोरानी और संजय रोत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था वो उन्होंने बताया था वो एज़ अ प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए कास्टिंग के ऊपर प्रोड्यूसर रमेश ने कहा था ई टाइम्स को कि विजय इस रोल के लिए परफेक्टली सूट बैठ रहे जहाँ पे कैटरीना कैब की चॉइस पहले से ही थी लेकिन विजय के रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर होने वाला था डायरेक्टर को उनको लेने वाले थे लेकिन जैसे स्क्रिप्ट तैयार हुई उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये रोल उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा संजय कपूर इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे लेकिन वो सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए वहीं पर राधिका शरद कुमार का एक तमिल वर्जन के लिए रोल साइन किया हुआ है वहीं पर जो राधिका शरद कुमार तमिल वर्जन में रोल प्ले करे अगस्त महीने में उसका एक अनाउंसमेंट हुआ था हिंदी वजन में वो रोल विनय पाठक प्ले करेंगे इसके अलावा कुछ की रोल्स जो इस फिल्म में बाद में ऑन अनाउंस किए गए थे जुलाई 2023 में पता चला था कि अश्विन काल से करा दिखाते इस फिल्म में कुछ के म्यूजिक में काम करने वाली है इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है फिल्म की वो 25 दिसंबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी पहला शेड्यूल मुंबई में था शूटिंग को हॉल पर रखा था जहाँ पे जनवरी 2022 तक कोविड केस बढ़ रहे थे उस वजह से शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई थी फरवरी में फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में संजय कपूर ने अपने पोर्शन की शूटिंग है वो मार्च महीने में स्टार्ट की हुई थी कैटरीना के अपने कंटिन्यूस शूटिंग है वो अपने पोर्शन की है वो ग्यारह मार्च से स्टार्ट की हुई थी पहला शेड्यूल मार्च में महीने में ही कम्प्लीट करवाया गया था सेकंड शेड्यूल था वो मार्च को चित्रकूट में तुरंत स्टार्ट करवा दिया गया था और वो शेड्यूल काफ़ी लंबा था करीबन पैंतालीस दिनों लंबा शेड्यूल था जहाँ पे हिंदी तमिल दोनों वजन साथ ही में शूट हो रहे थे राधिका शरद कुमार ने अपने तमिल पोर्सन की शूटिंग है वो अप्रैल महीने में स्टार्ट की हुई थी कुछ फायर एक्सीडेंट के चलते शूटिंग अगस्त महीने में रोकनी पड़ी थी शेड्यूल बाद में चेंज करना पड़ा था और लोकेसन बाद में वृंदावन स्टूडियो में ट्रांसफर की गई थी सेकंड शेड्यूल को बाद में नवंबर तक फिनिश करवाया गया तीसरा शेड्यूल था वो नवंबर में ही मुंबई में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में कैटरीना के फोर का कैटरीना के विजय सेतुपति और संजय कपूर के साथ में जो कुछ सीन्स थे वो वहां पर फिल्माए गए थे और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है उसको जनवरी 2023 तक पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्मेशन के साथ रेपअप किया गया था विजय सेतुपति के बर्थडे के मौके के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट करवाया हुआ था जब लास्ट शेड्यूल चल रहा था उसी समय से स्टार्ट करवा दिया गया था विजय राघवन ने मई दो में रिवील किया हुआ था कि फिल्म डबल लैंग्वेज में शूट की हुई है साइमन टेल्स हिंदी और तमिल वर्जन में शूट की गई है जहाँ पे विजय राघवन और कैटरीना केविक्स दोनों का तमिल डेब्यू कह सकते इस तरह से और बाद में इनके साथ अलग अलग को एक्टर्स को लेकर इस फिल्म में तमिल और हिंदी वर्जन के लिए अलग अलग एक्टर्स लेकर प्रॉपर शूटिंग की गई है दीपा वेंकट जो डबिंग आर्टिस्ट है उन्होंने कैटरीना के केव के लिए वॉइस ओवर दी हुए तमिल वर्जन के लिए राधिका शरद कुमार ने विजय पाठक ने जो हिंदी वर्जन रोल प्ले किया वो तमिल में रिप्राइज किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बाद में इनको पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाने के बाद म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग मिक्सिंग मास्टर करवाते फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक के राइट्स की बात करें तो टिप्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी वालों ने टिप्स म्यूज़िक के अंडर इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे थे फिल्म के गाने प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे देखा जाए ऑफिशियली उनका यह तमिल डेब्यू था पहला से टाइटल था मेरी क्रिसमस टाइटल ट्रैक हिंदी ट्रैक लिस्टिंग पहले कर देते थे मेरी क्रिसमस का जो टाइटल ट्रैक था उसको एस किंग ने गाया हुआ था वरुण ग्रोवर ने उसके लिरिक्स लिखे हुए थे उस टाइटल ट्रैक को 25 दिसंबर 2023 तक रिलीज़ करवाया था नजर तेरी तूफान गाने को पपन ने गाया हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था और इसको सेकंड सिंगल के तौर पे 4 जनवरी 2024 को टिप्स म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था रात अकेली थी गाने को दस जनवरी दो को टिप्स म्यूज़िक वालों ने रिलीज़ करवाया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया हुआ था अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था ठीक उसी तरह तमिल ट्रैक लिस्टिंग करें तो मेरी क्रिसमस टाइटल है उसको योगा भारती ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया था बेनी दयाल ने गाया हुआ था अनबी गाने को प्रीतम ने म्यूजिक दिया था युगा भारती ने लिखा था और श्री रामचंद्रा ने उसको गाया हुआ था कंदा धदाई करके जो कडाल करके जो है उसको कार्तिक ने गाया हुआ था योगा भारती ने लिखा था और प्रीतम ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से तीन तीन गाने दोनों वर्जन में रखे हुए थे ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के तमिल और टिप्स म्यूजिक के हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया वैसे इस फिल्म के साथ हिंदी में हनुमान का हनुमान का जो तेलुगु वर्जन फिल्म है पेन इंडिया उसका डव वर्जन सेंध वैसे कई फिल्में कैप्टन मिलर रिलीज़ हुई है वैसे प्रॉपर हिंदी एक ही फिल्म रिलीज हुई है जहाँ पे इस फिल्म को डिसेंट स्क्रीन टाइम सॉरी स्क्रीन मिले हुए वैसे फिल्म पहले तेईस दिसंबर दो को आने वाली थी प्रोडक्शन डिले हुआ उसके बाद में इस फिल्म को तेईस दिसंबर दो के लिए पोस्टपोन किया गया लेकिन फिर से रिशेड्यूल करते हुए बारह जनवरी दो हजार चौबीस को फिल्म का रिलीज किया इस फिल्म को जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म फिलहाल को इस एमडी पे आईएमडीबी पे सड़सठ वोट मिले हुए जिसमें सात छह की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे कुछ चीज़ों की काफ़ी तारीफ़ की गई कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया जिस तरह से फिल्म का रन टाइम था जिस तरह से फिल्म की पेस चल रही थी उसकी क्रिटिसिज्म मिली हुई है लेकिन इस फिल्म में जो डिरेक्शन देखने को मिलता है स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसेस सिनेमेटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर इन सभी चीज़ों की तारीफ़ की गई थी तो प्रोटे बॉय इन सभी चीज़ों को जनरल क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था वैसे अगर आप इस फिल्म को अंधाधुंध से कंपेयर करने चलते हो तो शायद थोड़ा कम आपको लगेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई है जहाँ पे जिस तरह से कैटरीना के पी जैसे तो का दोनों का कॉम्बो दिखाया है उनकी केमिस्ट्री दिखाई वो डेफिनेटली पसंद आएगी फिल्म में जिस तरह से ट्विस्ट और टांस चलते हैं सेकंड हाफ में जो चीज़ें अचानक कटने लगती है जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है वैसे श्री राम राघवन का सिनेमेटिक यूनिवर्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी लीड रोल से लेकर सपोर्टिंग रोल्स तक उनके किरदार अच्छी तरह से लिखे गए थे हाँ फिल्म की पेस्ट लो थी जिस तरह जो रन टाइम था वो थोड़ा लंबा महसूस हो रहा था क्योंकि फिल्म काफी धीरे चल रही थी आसानी से 10-15 मिनट जितने इस फिल्म को चॉप ऑफ किया जा सकता था अदरवाइज इस फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो क्राइम देखने को मिलता है उसमें जो सभी चीजें इनपुट की हुई डायरेक्टर ने वो बखूबी काफी बढ़िया है मेरी क्रिस्पेस अनडाउटेडली आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस डेफिनेटली देखी जाएगी फिलहाल में कितनी कुछ फिल्में आई हुई है उसमें आपको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी जहां पे विजय सेतुपति एक और सॉलिड परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं कैटरीना के अपनी तरफ से परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते नजर आते तो एक अच्छी फिल्म है इसे डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली फिलहाल में रिलीज किया हुआ है जहां पे फिल्म का पहले दिन का हिंदी का नेट कलेक्शन 2 करोड़ 30 लाख का निकल के आया हुआ है तो ठीक-ठाक ओपनिंग ली हुई है लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को डेफिनेटली एक लंबा रन देगा और फिल्म अच्छा आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं ओ टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने करीबन साठ करोड़ रुपए देकर इस फिल्म के ओ टी राइट्स खरीदे हुए तो थिएट्रिकल रन कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म एक दो महीने के बाद आपको ऑफिशियली ओ टी ट प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मेरी क्रिसमस नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी क्रिसमस फिल्म बारह जनवरी दो से थिएटर में रिलीज़ हुई है फिलहाल मैं वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हो अदरवाइज आपको ओ पे देखनी है तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से मेरी क्रिसमस फिल्म आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे मेरी क्रिसमस जो दो की इंडियन न्यूनॉर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंग्वेल फिल्म थी जिसको तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में क्रिएट किया हुआ है एक फ्रेंच में नावेल है ले मोन्ते चार्ज जो फ्रेडरिक डाल के द्वारा लिखी गई है उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म को हिंदी तमिल में बारी बारी से शूट किया गया था जहाँ पे तमिल के लिए और हिंदी के लिए जो एक्ट्रेस है वो एक्टर्स है उसमें कुछ कॉमन एक्टर्स है वहीं पे कुछ एक्टर्स है वो आपको डेफिनेटली अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग देखने को मिलेंगे डायरेक्शन श्री राम राघवन का देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उन स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन जो राइटिंग है उसमें हिंदी वर्जन में श्री राम राघवन के साथ साथ अरिजीत विश्वास पूजा लाता सूरती और अनुकृत पांडे ने लिखा हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन है वो प्रदीप कुमार एस अब्दुल जब्बार प्रसन्न बाला नटराजन और लता कार्तिकेयन ने लिखा हुआ है हिंदी का जो तमिल एडप्टेशन है वो उन्होंने किया हुआ है रमेश तोरानी जया तोरानी संजय रोत्री और केवलगर के द्वारा इस फिल्म को करीबन बताया जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ में बनाया हुआ है लीड रोल में कैटरीना विजय सेतुपति है इस फिल्म को टिप्स फिल्म्स और मेजबॉक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ है फिल्म में वहीं पर इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में यूएफर मूवीज हिंदी वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे पेन मरुदकर के तो द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मधु नीलाकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग पूजा लदा सुरती ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म को 145 मिनट यानी कि दो घंटे 15 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए डेनियल बी जॉर्ज का आपको सुनने को मिलेगा म्यूजिक के राइट्स टिप्स म्यूजिक के पास है फिल्म में तीन तीन गाने रखे हुए दोनों वर्जन के लिए लीड कास्ट की बात करें तो कैटरीना के फिल्ट लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे मारिया कुमार का विजय सेतुपति तो ने एल्बर्ट रमेश का रोल प्ले किया हुआ है अश्वनी कालशेखर रोनी की वाइफ का रोल प्ले करते हुई नजर आएंगी इसके अलावा राजी का आफ्ते रोसी का रोल रोजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जिनका केमियो है गायत्री का भी एक केमियो देखने को मिलेगा सिंगर के तौर पे तो वो का भी देखने को मिलता है वहीं पे हिंदी कास्टिंग की बात करें इसके अलावा ये मेन कास्ट है दोनों वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए संजय कपूर जो सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं रोन, के, के रोल में विजय पाठक ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है प्रतिमा काजमी ने पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है तीनु आनंद यादव अंकल का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर तमिल वर्जन के लिए जो राधिका शरद कुमार है वो पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी पी का रोल प्ले करते नजर आएंगे करेंगे जो विनय पाठक रोल प्ले करें हिंदी वर्जन वाला वो प्ले कर रही है सनमुगम ने इस फिल्म में पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कविन जय बाबू रोनी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके अलावा राजेश इस, तो इस फिल्म में अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है दोनों वजन के लिए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली जनवरी 2021 में की गई थी कैटरीना कैफ के ने एक फिल्म साइन की हुई थी जहां पे उनके साथ बस कुछ सोर्स से पता चला था कि विजय सेतुपति लीड रोल में होने वाले तो अनयूजल कास्ट थी जहां पे श्री राम राघवन इनको टीरेक करेंगे जिन्होंने लास्ट फिल्म अंधाधुन जैसी ब्लॉक दी हुई है इस फिल्म की लॉन्चिंग थी वो अप्रैल महीने में नेम की गई थी लेकिन सेकंड वेव जो कोविड का चल रहा था उसके चलते कैटरीना भी उसमें कोविड पॉजिटिव पाई गई थी जिसके चलते लॉन्च था वो डिले गया 25 दिसंबर को फिल्म को ऑफिशियली रमेश तोरानी और संजय रोहरी के द्वारा लॉन्च किया गया था वो उन्होंने बताया था वो एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए कास्टिंग के ऊपर प्रोड्यूसर रमेश ने कहा था ए टाइम्स को कि विजय इस रोल के लिए परफेक्टली सूट बैठ रहे जहां पे कैटरीना कैब की चॉइस पहले से ही थी लेकिन विजय के रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर होने वाला था डायरेक्टर को उनको लेने वाले थे लेकिन जैसे स्क्रिप्ट तैयार हुई उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये रोल उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा संजय कपूर इस फिल्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे लेकिन वो सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए वहीं पे राधिका शरद कुमार का एक तमिल वर्जन के लिए रोल साइन किया हुआ है वहीं पे जो राधिका शरद कुमार तमिल वर्जन में रोल प्ले करे अगस्त महीने में उसका एक अनाउंसमेंट हुआ था हिंदी वर्जन में वो रोल भी नहीं पाठक प्ले करेंगे इसके अलावा कुछ की रोल से जो इस फिल्म में बाद में रिटर्न अनाउंस किए गए थे जुलाई 2023 में पता चला था कश्विन काल से करा दिखाते इस फिल्म में कुछ के म्यूजिक में काम करने वाली है इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है फिल्म की वो 25 दिसंबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी पहला शेड्यूल मुंबई में था शूटिंग को हॉल पर रखा था जहाँ पे जनवरी 2022 तक कोविड केस बढ़ रहे थे उस वजह से शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई थी फरवरी में फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में संजय कपूर ने अपने पोर्शन की शूटिंग है वो मार्च महीने में स्टार्ट की हुई थी कैटरीना के अपने कंटिन्यूस शूटिंग है वो अपने पोर्शन की है, वो ग्यारह मार्च से स्टार्ट की हुई थी पहला शेड्यूल मार्च में महीने में ही कम्प्लीट करवाया गया था सेकंड शेड्यूल था वो उन्नीस मार्च को चित्रकूट में तुरंत स्टार्ट करवा दिया गया था और वो शेड्यूल काफ़ी लंबा था करीबन पैंतालीस दिनों लंबा शेड्यूल था जहाँ पे हिंदी तमिल दोनों वजन साथ ही में शूट हो रहे थे राधिका शरद कुमार ने अपने तमिल पोर्सन की शूटिंग है वो अप्रैल महीने में स्टार्ट की हुई थी कुछ फायर एक्सीडेंट के चलते शूटिंग अगस्त महीने में रोकनी पड़ी थी शेड्यूल बाद में चेंज करना पड़ा था और लोकेसन बाद में वृंदावन स्टूडियो में ट्रांसफर की गई थी सेकंड शेड्यूल को बाद में नवंबर तक फिनिश करवाया गया तीसरा शेड्यूल था वो नवंबर में ही मुंबई में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में कैटरीना के फो सेपति और कैरीना के विजय सेतुपति और संजय कपूर के साथ में जो कुछ सीन्स थे वो वहाँ पर फिल्म गए थे और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है उसको जनवरी 2023 तक पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्मेशन के साथ रेपअप किया गया था विजय सेतुपति के बर्थडे के मौके के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट करवाया हुआ था जब लास्ट शेड्यूल चल रहा था उसी समय से स्टार्ट करवा दिया गया था विजय राघव ने मई दो में रिवील किया हुआ था कि फिल्म डबल लैंग्वेज में शूट की हुई साइमन टेल हिंदी और तमिल वर्जन में शूट की गई है जहाँ पे विजय राघवन और कैटरीना केविक्स दोनों का तमिल डेब्यू कह सकते इस तरह से और बाद में इनके साथ अलग अलग को एक्टर्स को लेकर इस फिल्म में तमिल और हिंदी वर्जन के लिए अलग अलग एक्टर्स लेकर प्रॉपर शूटिंग की गई है दीपा वेंकट जो डबिंग आर्टिस्ट थे उन्होंने कैटरीना कैफ के लिए वॉइस ओवर दी हुए तमिल वर्जन के लिए राधिका शरद कुमार ने विजय तो पाठक ने जो हिंदी वर्जन रोल प्ले किया वो तमिल में रिप्राइज किया हुआ था तो ये कुछ चीजें थी जिसके बाद में इनको पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाने के बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक के राइट्स की बात करें तो टिप्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी वालों ने टिप्स म्यूजिक के अंडर इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे थे फिल्म के गाने प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे देखा जाए ऑफिशियल उनका एक तमिल डेब्यू था पहला से टाइटल था मेरी क्रिसमस टाइटल ट्रैक हिंदी ट्रैक लिस्टिंग पहले कर देते हैं मेरी क्रिसमस का जो टाइटल ट्रैक था उसको इस किंग ने गाया हुआ था वरुण ग्रोवर ने उसके लिरिक्स लिखे हुए थे उस टाइटल ट्रैक को 25 दिसंबर 2023 तक रिलीज़ करवाया था नज़र तेरी तूफान गाने को पपन ने गाया हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था और इसको सेकंड सिंगल के तौर पे 4 जनवरी 2024 को टिप्स म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था रात अकेली थी गाने को दस जनवरी दो को टिप्स म्यूज़िक वालों ने रिलीज़ करवाया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया हुआ था अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था ठीक उसी तरह तमिल ट्रैक लिस्टिंग करें तो मेरी क्रिसमस टाइटल है उसको योगा भारती ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया था बेनी दयाल ने गाया हुआ था अनबी विदय गाने को प्रीतम ने म्यूजिक दिया था युगा भारती ने लिखा था और श्री रामचंद्रा ने उसको गाया हुआ था कंदा धदाई करके जो कड़ाल करके जो है उसको कार्तिक ने गाया हुआ था योगा भारती ने लिखा था और प्रीतम ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से तीन तीन गाने दोनों वर्जन में रखे हुए थे ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के तमिल और टिप्स म्यूजिक के हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया वैसे इस फिल्म के साथ हिंदी में हनुमान का हनुमान का जो तेलुगु वर्जन फिल्म है पेन इंडिया उसका डव वर्जन सेंध वैसे कई फिल्में कैप्टन मिलर रिलीज़ हुई है वैसे प्रॉपर हिंदी एक ही फिल्म रिलीज़ हुई है जहाँ पे इस फिल्म को डिसेंट स्क्रीन टाइम सॉरी स्क्रीन मिले हुए वैसे फिल्म पहले तेईस दिसंबर दो को आने वाली थी प्रोडक्शन डिले हुआ उसके बाद में इस फिल्म को दिसंबर दो के लिए पोस्टपोन किया गया लेकिन फिर से रिशेड्यूल करते हुए बारह जनवरी दो को फिल्म का रिलीज किया इस फिल्म को जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म फिलहाल जिसमें सात पॉइंट छह की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे कुछ चीज़ों की काफ़ी तारीफ़ की गई कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया जिस तरह से फिल्म का रन टाइम था जिस तरह से फिल्म की पेस चल रही थी उसकी क्रिटिसिज्म मिली हुई है लेकिन इस फिल्म में जो डिरेक्शन देखने को मिलता है स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस सिनेमेटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर इन सभी चीज़ों की तारीफ़ की गई थी तो प्रोटॉय इन सभी चीज़ों को जनरली क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था वैसे अगर आप इस फिल्म को अंधा से कंपेयर करने चलते हो तो शायद थोड़ा कम आपको लगेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई है जहाँ पे जिस तरह से कैटरीना के पी जैसे तो का दोनों का कॉम्बो दिखाया है उनकी केमिस्ट्री दिखाई वो डेफिनेटली पसंद आएगी फिल्म में जिस तरह से ट्विस्ट और टांस चलते हैं सेकंड हाफ में जो चीज़ें अचानक कटने लगती है जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है वैसे श्री राम राघवन का सिनेमेटिक यूनिवर्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी लीड रोल से लेकर सपोर्टिंग रोल्स तक उनके किरदार अच्छी तरह से लिखे गए थे हाँ फिल्म की पेस्ट लो थी जिस तरह जो रन टाइम था वो थोड़ा लंबा महसूस हो रहा था क्योंकि फिल्म काफी धीरे चल रही थी आसानी से 10-15 मिनट जितने इस फिल्म को चॉप ऑफ किया जा सकता था अदरवाइज इस फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो क्राइम देखने को मिलता है उसमें जो सभी चीजें इनपुट की हुई डायरेक्टर ने वो बखूबी काफी बढ़िया है मेरी क्रिस्पेस अनडाउटेडली आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस डेफिनेटली देखी जाएगी फिलहाल में कितनी कुछ फिल्में आई हुई है उसमें आपको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी जहां पे विजय सेतुपति एक और सॉलिड परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं कैटरीना के आप अपनी तरफ से परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते नजर आते हैं तो एक अच्छी फिल्म है इसे डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली फिलहाल में रिलीज़ किया हुआ है जहां पे फिल्म का पहले दिन का हिंदी का नेट कलेक्शन दो करोड़ तीस लाख का निकल के आया हुआ है तो ठीक ठाक ओपनिंग ली हुई है लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को डेफिनेटली एक लंबा रन देगा और फिल्म अच्छा आसानी से कलेक्ट कर सकती है ओ टी टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने करीबन साठ करोड़ रुपए देकर इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स खरीदे हुए तो थिएट्रिकल रन कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म एक दो महीने के बाद आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मेरी क्रिसमस नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी क्रिसमस फिल्म बारह जनवरी दो हज़ार चौबीस से थिएटर में रिलीज हुई है फिलहाल मैं वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हो अदरवाइज आपको ओ टी टी पे देखनी है तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल टाइटल विद सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से मेरी क्रिसमस फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे मेरी क्रिसमस जो 2024 की इंडियन न्यू ईयर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है ये एक बायोलिंग फिल्म थी जिसको तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में क्रिएट किया हुआ है एक फ्रेंच में नोवेले ले मोनते चाज जो फ्रेडरिक डाल्ट के द्वारा लिखी गई है उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म को हिंदी तमिल में बारी बारी से शूट किया गया था जहाँ पे तमिल के लिए और हिंदी के लिए जो एक्ट्रेस है वो एक्टर्स है उसमें कुछ कॉमन एक्टर्स है वहीं पे कुछ एक्टर्स है वो आपको डेफिनेटली अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग देखने को मिलेंगे डायरेक्शन श्री राम राघवन का देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उन स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन जो राइटिंग है उसमें हिंदी वर्जन में श्री राम राघवन के साथ साथ अरिजीत विश्वास पूजा लाता सूरती और अनुकृत पांडे ने लिखा हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन है वो प्रदीप कुमार एस अब्दुल जब्बार प्रसन्न बाला नटराजन और लता कातिकेयन ने लिखा हुआ है हिंदी का जो तमिल एडप्टेशन है वो उन्होंने किया हुआ है रमेश तोरानी जया तोरानी संजय रोत्री और केवलगर के द्वारा इस फिल्म को करीबन बताया जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ में बनाया हुआ है लीड रोल में कैटरीना विजय सेतुपति है इस फिल्म को टिप्स फिल्म्स और मेजबॉक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ है फिल्म में वहीं पे इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में यूएफर मूवीज़ हिंदी वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे पेन मरुदकर के तो द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मधु नीलाकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग पूजा लदा सुरती ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म को 145 मिनट यानी कि दो घंटे 15 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए बैकग्राउंड फॉर डेनियल जॉर्ज का आपको सुनने को मिलेगा म्यूजिक के राइट्स टिप्स म्यूजिक के पास है फिल्म में तीन तीन गाने रखे हुए दोनों वर्जन के लिए लीड कास्ट की बात करें तो कैटरीना के फिल लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे मारिया कुमार का विजय सेतुपति तो ने एल्बर्ट रमेश का रोल प्ले किया हुआ है अश्वनी कालशेखर रोनी की वाइफ का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी इसके अलावा राजी का आफ्ते रोसी का रोल रो रोजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जिनका केमियो है गायत्री का भी एक केमियो देखने को मिलेगा सिंगर के तौर पर तो वो केमियो पीरेंस उनका भी देखने को मिलता है वहीं पर हिंदी कास्टिंग की बात करें इसके अलावा ये मेन कास्ट है दोनों वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए संजय कपूर जो सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं रोनू के रोनी के रोल में विजय विनय पाठक ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है प्रतिमा काजमी ने पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है यादव के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन के लिए जो राधिका कुमार है वो पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी पी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो विनय पाठक रोल प्ले करे हिंदी वर्जन वाला वो प्ले कर रही है सनमुगन ने इस फिल्म में पुलिस कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कविनज बाबू रोनी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा राजेश इस फिल्म में अंकल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है दोनों वजन के लिए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली जनवरी 2021 में की गई थी कैटरीना कैफ के ने एक फिल्म साइन की हुई थी जहां पे उनके साथ बस कुछ सोर्स से पता चला था कि विजय सेतुपति लीड रोल में होने वाले तो अनयूजल कास्ट थी जहां पे श्री राम राघवन इनको टीरेक करेंगे जिन्होंने लास्ट फिल्म अंधाधुन जैसी ब्लॉक दी हुई है इस फिल्म की लॉन्चिंग थी वो अप्रैल महीने में नेम की गई थी लेकिन सेकंड वेव जो कोविड का चल रहा था उसके चलते कैटरीना भी उसमें कोविड पॉजिटिव पाई गई थी जिसके चलते लॉन्च था वो डिले गया 25 दिसंबर को फिल्म को ऑफिशियली रमेश तोरानी और संजय रोत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था वो उन्होंने बताया था वो एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए कास्टिंग के ऊपर प्रोड्यूसर रमेश ने कहा था ई टाइम्स को कि विजय इस रोल के लिए परफेक्टली सूट बैठ रहे जहाँ पे कैटरीना कैब की चॉइस पहले से ही थी लेकिन विजय के रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर होने वाला था डायरेक्टर को उनको लेने वाले थे लेकिन जैसे स्क्रिप्ट तैयार हुई उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये रोल उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा संजय कपूर इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे लेकिन वो सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए वहीं पर राधिका शरद कुमार का एक तमिल वर्जन के लिए रोल साइन किया हुआ है वहीं पर जो राधिका शरद कुमार तमिल वर्जन में रोल प्ले करे अगस्त महीने में उसका एक अनाउंसमेंट हुआ था हिंदी वर्जन में वो रोल विनय पाठक प्ले करेंगे इसके अलावा कुछ की रोल्स जो इस फिल्म में बाद में ऑन अनाउंस किए गए थे जुलाई 2023 में पता चला था कि अश्विन काल से करा दिखाते इस फिल्म में कुछ के म्यूजिक में काम करने वाली है इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है फिल्म की वो 25 दिसंबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी पहला शेड्यूल मुंबई में था शूटिंग को हॉल पर रखा था जहाँ पे जनवरी 2022 तक कोविड केस बढ़ रहे थे उस वजह से शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई थी फरवरी में फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में संजय कपूर ने अपने पोर्शन की शूटिंग है वो मार्च महीने में स्टार्ट की हुई थी कैटरीना के अपने कंटिन्यूस शूटिंग है वो अपने पोर्शन की है वो ग्यारह मार्च से स्टार्ट की हुई थी पहला शेड्यूल मार्च में महीने में ही कंप्लीट करवाया गया था सेकंड शेड्यूल था वो मार्च को चित्रकूट में तुरंत स्टार्ट करवा दिया गया था और वो शेड्यूल काफ़ी लंबा था करीबन पैंतालीस दिनों लंबा शेड्यूल था जहाँ पे हिंदी तमिल दोनों वजन साथ ही में शूट हो रहे थे राधिका शरद कुमार ने अपने तमिल पोर्सन की शूटिंग है वो अप्रैल महीने में स्टार्ट की हुई थी कुछ फायर एक्सीडेंट के चलते शूटिंग अगस्त महीने में रोकनी पड़ी थी शेड्यूल बाद में चेंज करना पड़ा था और लोकेसन बाद में वृंदावन स्टूडियो में ट्रांसफ़र की गई थी सेकंड शेड्यूल को बाद में नवंबर तक फिनिश करवाया गया तीसरा शेड्यूल था वो नवंबर में ही मुंबई में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में कैटरीना के फोर का कैटरीना के विजय सेतुपति और संजय कपूर के साथ में जो कुछ सीन्स थे वो वहां पर फिल्माए गए थे और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है उसको जनवरी 2023 तक पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्मेशन के साथ रेपअप किया गया था विजय सेतुपति के बर्थडे के मौके के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट करवाया हुआ था जब लास्ट शेड्यूल चल रहा था उसी समय से स्टार्ट करवा दिया गया था विजय राघवन ने मई दो में रिवील किया हुआ था कि फिल्म डबल लैंग्वेज में शूट की हुई है साइमन टेल्स हिंदी और तमिल वर्जन में शूट की गई है जहाँ पे विजय राघवन और कैटरीना केविक्स दोनों का तमिल डेब्यू कह सकते इस तरह से और बाद में इनके साथ अलग अलग को एक्टर्स को लेकर इस फिल्म में तमिल और हिंदी वर्जन के लिए अलग अलग एक्टर्स लेकर प्रॉपर शूटिंग की गई है दीपा वेंकट जो डबिंग आर्टिस्ट थे उन्होंने कैटरीना कैफ के लिए वॉइस ओवर दी हुए तमिल वर्जन के लिए राधिका शरद कुमार ने विजय तो पाठक ने जो हिंदी वर्जन रोल प्ले किया वो तमिल में रिप्राइज किया हुआ था तो ये कुछ चीजें थी जिसके बाद में इनको पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाने के बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक के राइट्स की बात करें तो टिप्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी वालों ने टिप्स म्यूजिक के अंडर इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे थे फिल्म के गाने प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे देखा जाए ऑफिशियल उनका एक तमिल डेब्यू था पहला से टाइटल था मेरी क्रिसमस टाइटल ट्रैक हिंदी ट्रैक लिस्टिंग पहले कर देते हैं मेरी क्रिसमस का जो टाइटल ट्रैक था उसको इस किंग ने गाया हुआ था वरुण ग्रोवर ने उसके लिरिक्स लिखे हुए थे उस टाइटल ट्रैक को 25 दिसंबर 2023 तक रिलीज़ करवाया था नज़र तेरी तूफान गाने को पपन ने गाया हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था और इसको सेकंड सिंगल के तौर पे 4 जनवरी 2024 को टिप्स म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था रात अकेली थी गाने को दस जनवरी दो को टिप्स म्यूज़िक वालों ने रिलीज़ करवाया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया हुआ था अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था ठीक उसी तरह तमिल ट्रैक लिस्टिंग करें तो मेरी क्रिसमस टाइटल है उसको योगा भारती ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया था बेनी दयाल ने गाया हुआ था अनबी गाने को प्रीतम ने म्यूजिक दिया था युगा भारती ने लिखा था और श्री रामचंद्रा ने उसको गाया हुआ था कंदा धदाई करके जो कडाल करके जो है उसको कार्तिक ने गाया हुआ था योगा भारती ने लिखा था और प्रीतम ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से तीन तीन गाने दोनों वर्जन में रखे हुए थे ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के तमिल और टिप्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया वैसे इस फिल्म के साथ हिंदी में हनुमान का हनुमान का जो तेलुगु वर्जन फिल्म पेन इंडिया उसका डब्ड वर्जन सेंध वैसे कई फिल्में कैप्टन मिलर रिलीज़ हुई है वैसे प्रॉपर हिंदी एक ही फिल्म रिलीज़ हुई है जहाँ पे इस फिल्म को डिसेंट स्क्रीन टाइम सॉरी स्क्रीन मिले हुए वैसे फिल्म पहले तेईस दिसंबर 2022 को आने वाली थी प्रोडक्शन डिले हुआ उसके बाद में इस फिल्म को कोई दिसंबर 2023 के लिए पोस्टपोन किया गया लेकिन फिर से रिशेड्यूल करते हुए 12 जनवरी 2024 को फिल्म का रिलीज़ किया इस फिल्म को जब रिलीज़ किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला फिल्म फिलहाल में इस फिल्म को आई पे पाँच वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे कुछ चीज़ों की काफ़ी तारीफ़ की गई कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया जिस तरह से फिल्म का रन टाइम था जिस तरह से फिल्म की पेस चल रही थी उसकी क्रिटिसिज्म मिली हुई है लेकिन इस फिल्म में जो डिरेक्शन देखने को मिलता है स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसेस सिनेमेटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर इन सभी चीज़ों की तारीफ़ की गई थी तो प्रोटे बॉय इन सभी चीज़ों को जनरल क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था वैसे अगर आप इस फिल्म को अंधाधुंध से कंपेयर करने चलते हो तो शायद थोड़ा कम आपको लगेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई है जहाँ पे जिस तरह से कैटरीना के पी जैसे तो का दोनों का कॉम्बो दिखाया है उनकी केमिस्ट्री दिखाई वो डेफिनेटली पसंद आएगी फिल्म में जिस तरह से ट्विस्ट और टांस चलते हैं सेकंड हाफ में जो चीज़ें अचानक कटने लगती है जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है वैसे श्री राम राघवन का सिनेमेटिक यूनिवर्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी लीड रोल से लेकर सपोर्टिंग रोल्स तक उनके किरदार अच्छी तरह से लिखे गए थे हाँ फिल्म की पेस्ट लो थी जिस तरह जो रन टाइम था वो थोड़ा लंबा महसूस हो रहा था क्योंकि फिल्म काफी धीरे चल रही थी आसानी से 10-15 मिनट जितने इस फिल्म को चॉप ऑफ किया जा सकता था अदरवाइज इस फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो क्राइम देखने को मिलता है उसमें जो सभी चीजें इनपुट की हुई डायरेक्टर ने वो बखूबी काफी बढ़िया है मेरी क्रिस्पेस अनडाउटेडली आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस डेफिनेटली देखी जाएगी फिलहाल में कितनी कुछ फिल्में आई हुई है उसमें आपको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी जहां पे विजय सेतुपति एक और सॉलिड परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं कटिना के आप अपनी तरफ से परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते नजर आते हैं तो एक अच्छी फिल्म है इसे डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली फिलहाल में रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का पहले दिन का हिंदी का नेट कलेक्शन दो करोड़ तीस लाख का निकल के आया हुआ है तो ठीक ठाक ओपनिंग ली हुई है लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को डेफिनेटली एक लंबा रन देगा और फिल्म अच्छा आसानी से कलेक्ट कर सकती है ओ टी टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने करीबन साठ करोड़ रुपए देकर इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स खरीदे हुए तो थिएट्रिकल रन कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म एक दो महीने के बाद आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मेरी क्रिसमस नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी क्रिसमस फिल्म बारह जनवरी दो हज़ार चौबीस से थिएटर में रिलीज हुई है फिलहाल मैं वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हो अदरवाइज आपको ओ टी टी पर देखनी है तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल टाइटल भी सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से मेरी क्रिसमस फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे मेरी क्रिसमस जो 2024 की इंडियन न्यू ईयर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है ये एक बायोलिंग फिल्म थी जिसको तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में क्रिएट किया हुआ है एक फ्रेंच में नोवेले ले मोनते चाज जो फ्रेडरिक डाल्ट के द्वारा लिखी गई है उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म को हिंदी तमिल में बारी बारी से शूट किया गया था जहाँ पे तमिल के लिए और हिंदी के लिए जो एक्ट्रेस है वो एक्टर्स है उसमें कुछ कॉमन एक्टर्स है वहीं पे कुछ एक्टर्स है वो आपको डेफिनेटली अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग देखने को मिलेंगे डायरेक्शन श्री राम राघवन का देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उन स्क्रीन प्ले उन्होंने ही लिखा हुआ है लेकिन जो राइटिंग है उसमें हिंदी वर्जन में श्री राम राघवन के साथ साथ अरिजीत विश्वास पूजा अल्लाधा सूरती और अनुकृत पांडे ने लिखा हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन है वो प्रदीप कुमार एस अब्दुल जब्बार प्रसन्न बाला नटराजन और लात लता काथिकेयन ने लिखा हुआ है हिंदी का जो तमिल एडप्टेशन है वो उन्होंने किया हुआ है रमेश तोरानी जया तोरानी संजय रोत्री और केवलगर के द्वारा इस फिल्म को करीबन बताया जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ में बनाया हुआ है लीड रोल में कैटरीना विजय सेतुपति है इस फिल्म को टिप्स फिल्म्स और मेजबॉक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ है फिल्म में वहीं पे इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में यूएफर मूवीज़ हिंदी वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे पेन मरुदकर के तो द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मधु नीलाकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग पूजा लदा सुरती ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म को 145 मिनट यानी कि दो घंटे 15 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए डेनियल बी जॉर्ज का आपको सुनने को मिलेगा म्यूजिक के राइट्स टिप्स म्यूजिक के पास है फिल्म में तीन तीन गाने रखे हुए दोनों वर्जन के लिए लीड कास्ट की बात करें तो कैटरीना के फिल्ट लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे मारिया कुमार का विजय सेतुपति तो ने एल्बर्ट रमेश का रोल प्ले किया हुआ है अश्वनी कालशेखर रोनी की वाइफ का रोल प्ले करते हुई नजर आएंगी इसके अलावा राजी का आफ्ते रोसी का रोल रोजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जिनका केमियो है गायत्री का भी एक केमियो देखने को मिलेगा सिंगर के तौर पे तो वो का भी देखने को मिलता है वहीं पे हिंदी कास्टिंग की बात करें इसके अलावा ये मेन कास्ट है दोनों वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए संजय कपूर जो सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं रोन, रोनी के रोल में विजय पाठक ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है प्रतिमा काजमी ने पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है तीनु आनंद यादव अंकल का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर तमिल वर्जन के लिए जो राधिका शरद कुमार है वो पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी पी का रोल प्ले करते नजर आएंगे करेंगे जो विनय पाठक रोल प्ले करें हिंदी वजन वाला वो प्ले कर रही है सनमुगम ने इस फिल्म में पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कविन जय बाबू रोनी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके अलावा राजेश इस, तो इस फिल्म में अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है दोनों वजन के लिए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली जनवरी 2021 में की गई थी कैटरीना कैफ ने एक फिल्म साइन की हुई थी जहां पे उनके साथ बस कुछ सोर्स से पता चला था कि विजय सेतुपति लीड रोल में होने वाले तो अनयूजल कास्ट थी जहां पे श्री राम राघव को टीरेक करेंगे जिन्होंने लास्ट फिल्म अंधाधुन जैसी ब्लॉक दी हुई है इस फिल्म की लॉन्चिंग थी वो अप्रैल महीने में नेम की गई थी लेकिन सेकंड वेव जो कोविड का चल रहा था उसके चलते कैटरीना भी उसमें कोविड पॉजिटिव पाई गई थी जिसके चलते लॉन्च था वो डिले रखा गया 25 दिसंबर को फिल्म को ऑफिशियली रमेश तोरानी और संजय रोत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था वो उन्होंने बताया था वो एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए कास्टिंग के ऊपर प्रोड्यूसर रमेश ने कहा था टाइम्स को कि विजय इस रोल के लिए परफेक्टली सूट बैठ रहे जहाँ पे कैटरीना कैब की चॉइस पहले से ही थी लेकिन विजय के रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर होने वाला था डायरेक्टर को उनको लेने वाले थे लेकिन जैसे स्क्रिप्ट तैयार हुई उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये रोल उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा संजय कपूर इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे लेकिन वो सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए वहीं पर राधिका शरद कुमार का एक तमिल वर्जन के लिए रोल साइन किया हुआ है वहीं पर जो राधिका शरद कुमार तमिल वर्जन में रोल प्ले करे अगस्त महीने में उसका एक अनाउंसमेंट हुआ था हिंदी वजन में वो रोल विनय पाठक प्ले करेंगे इसके अलावा कुछ की रोल्स जो इस फिल्म में बाद में ऑन अनाउंस किए गए थे जुलाई 2023 में पता चला था कि का अश्विन काल से करा दिखाते इस फिल्म में कुछ के म्यूजिक में काम करने वाली है इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है फिल्म की वो 25 दिसंबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी पहला शेड्यूल मुंबई में था शूटिंग को हॉल पर रखा था जहाँ पे जनवरी 2022 तक कोविड केस बढ़ रहे थे उस वजह से शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई थी फरवरी में फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में संजय कपूर ने अपने पोर्शन की शूटिंग है वो मार्च महीने में स्टार्ट की हुई थी कैटरीना के अपने कंटिन्यूस शूटिंग है वो अपने पोर्शन की है वो ग्यारह मार्च से स्टार्ट की हुई थी पहला शेड्यूल मार्च में महीने में ही कंप्लीट करवाया गया था सेकंड शेड्यूल था वो मार्च को चित्रकूट में तुरंत स्टार्ट करवा दिया गया था और वो शेड्यूल काफ़ी लंबा था करीबन पैंतालीस दिनों लंबा शेड्यूल था जहाँ पे हिंदी तमिल दोनों वजन साथ ही में शूट हो रहे थे राधिका शरद कुमार ने अपने तमिल पोर्सन की शूटिंग है वो अप्रैल महीने में स्टार्ट की हुई थी कुछ फायर एक्सीडेंट के चलते शूटिंग अगस्त महीने में रोकनी पड़ी थी शेड्यूल बाद में चेंज करना पड़ा था और लोकेसन बाद में वृंदावन स्टूडियो में ट्रांसफ़र की गई थी सेकंड शेड्यूल को बाद में नवंबर तक फिनिश करवाया गया तीसरा शेड्यूल था वो नवंबर में ही मुंबई में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में कैटरीना के और सेतुपति और कैटरीना के विजय सेतुपति और संजय कपूर के साथ में जो कुछ सीन्स थे वो वहां पर फिल्माए गए थे और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है उसको जनवरी 2023 तक पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्मेशन के साथ रेपअप किया गया था विजय सेतुपति के बर्थडे के मौके के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट करवाया हुआ था जब लास्ट शेड्यूल चल रहा था उसी समय से स्टार्ट करवा दिया गया था विजय राघवन ने मई दो में रिवील किया हुआ था कि ये फिल्म डबल लैंग्वेज में शूट की हुई है साइमन टेल्स हिंदी और तमिल वर्जन में शूट की गई है जहाँ पे विजय राघवन और कैटरीना केविक्स दोनों का तमिल डेब्यू कह सकते इस तरह से और बाद में इनके साथ अलग अलग को एक्टर्स को लेकर इस फिल्म में तमिल और हिंदी वर्जन के लिए अलग अलग एक्टर्स लेकर प्रॉपर शूटिंग की गई है दीपा वेंकट जो डबिंग आर्टिस्ट है उन्होंने कैटरीना के केब के लिए वॉइस ओवर दी हुए तमिल वर्जन के लिए राधिका शरद कुमार ने विजय पाठक ने जो हिंदी वर्जन रोल प्ले किया वो तमिल में रिप्राइज किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बाद में इनको पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कम्प्लीट करवाने के बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक के राइट्स की बात करें तो टिप्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी वालों ने टिप्स म्यूजिक के अंडर इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे थे फिल्म के गाने प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे देखा जाए ऑफिशियल उनका एक तमिल डेब्यू था पहला से टाइटल था मेरी क्रिसमस टाइटल ट्रैक हिंदी ट्रैक लिस्टिंग पहले कर देते मेरी क्रिसमस का जो टाइटल ट्रैक था उसको एस किंग ने गाया हुआ था वरुण ग्रोवर ने उसके लिरिक्स लिखे हुए थे उस टाइटल ट्रैक को 25 दिसंबर 2023 तक रिलीज़ करवाया था नजर तेरी तूफान गाने को पपन ने गाया हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था और इसको सेकंड सिंगल के तौर पे 4 जनवरी 2024 को टिप्स म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था रात अकेली थी गाने को दस जनवरी दो को टिप्स म्यूज़िक वालों ने रिलीज़ करवाया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया हुआ था अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था ठीक उसी तरह तमिल ट्रैक लिस्टिंग करें तो मेरी क्रिसमस टाइटल है उसको योगा भारती ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया था बेनी दयाल ने गाया हुआ था अनबी गाने को प्रीतम ने म्यूजिक दिया था युगा भारती ने, ने लिखा था और श्री रामचंद्रा ने उसको गाया हुआ था कंदा धदाई करके जो कड़ाल करके जो है उसको कार्तिक ने गाया हुआ था योगा भारती ने लिखा था और प्रीतम ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से तीन तीन गाने दोनों वर्जन में रखे हुए थे ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के तमिल और टिप्स म्यूजिक के हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया वैसे इस फिल्म के साथ हिंदी में हनुमान का हनुमान का जो तेलुगु वर्जन फिल्म पेन इंडिया उसका डब्ड वर्जन सेंध वैसे कई फिल्में कैप्टन मिलर रिलीज़ हुई है वैसे प्रॉपर हिंदी एक ही फिल्म रिलीज हुई है जहाँ पे इस फिल्म को डिसेंट स्क्रीन टाइम सॉरी स्क्रीन मिले हुए वैसे फिल्म पहले तेईस दिसंबर 2022 को आने वाली थी प्रोडक्शन डिले हुआ उसके बाद में इस फिल्म को कोई दिसंबर 2023 के लिए पोस्टपोन किया गया लेकिन फिर से रिशेड्यूल करते हुए 12 जनवरी 2024 को फिल्म का रिलीज़ किया इस फिल्म को जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला फिल्म फिलहाल में इस फिल्म को आई पे पाँच वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे कुछ चीज़ों की काफ़ी तारीफ़ की गई कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया जिस तरह से फिल्म का रन टाइम था जिस तरह से फिल्म की पेस चल रही थी उसकी क्रिटिसिज्म मिली हुई है लेकिन इस फिल्म में जो डिरेक्शन देखने को मिलता है स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसेस सिनेमेटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर इन सभी चीज़ों की तारीफ़ की गई थी तो प्रोटेव इन सभी चीज़ों को जनरल क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था वैसे अगर आप इस फिल्म को अंधाधुंध से कंपेयर करने चलते हो तो शायद थोड़ा कम आपको लगेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई है जहाँ पे जिस तरह से कैटरीना के विजय सेतुपति का दोनों का कॉम्बो दिखाया है उनकी केमिस्ट्री दिखाई वो डेफिनेटली पसंद आएगी फिल्म में जिस तरह से ट्विस्ट और टांस चलते हैं सेकंड हाफ में जो चीज़ें अचानक कटने लगती है जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है वैसे श्री राम राघवन का सिनेमेटिक यूनिवर्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी लीड रोल से लेकर सपोर्टिंग रोल्स तक उनके किरदार अच्छी तरह से लिखे गए थे हाँ फिल्म की पेस स्लो थी जिस तरह जो रन टाइम था वो थोड़ा लंबा महसूस हो रहा था क्योंकि फिल्म काफी धीरे चल रही थी आसानी से 10-15 मिनट जितने इस फिल्म को चॉप ऑफ किया जा सकता था अदरवाइज इस फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो क्राइम देखने को मिलता है उसमें जो सभी चीजें इनपुट की हुई डायरेक्टर ने वो बखूबी काफी बढ़िया है मेरी क्रिस्पेस अनडाउटेडली आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस डेफिनेटली देखी जाएगी फिलहाल में कितनी कुछ फिल्में आई हुई है उसमें आपको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी जहां पे विजय सेतुपति एक और सॉलिड परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं कैटरीना के तरफ से करते नजर आते एक अच्छी फिल्म 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 है है इसे डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म को फिलहाल में रिलीज किया हुआ है, पे फिल्म का पहले दिन का हिंदी का नेट कलेक्शन दो करोड़ तीस लाख का निकल के आया हुआ है तो ठीक ठाक ओपनिंग ली हुई है लेकिन पॉजिटिव फिल्म को लंबा रन देगा और फिल्म अच्छा आसानी से कलेक्ट कर सकते है। ओ टी टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने करीबन साठ करोड़ रुपए देकर इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स खरीदे हुए तो थिएट्रिकल रन कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म एक दो महीने के बाद आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मेरी क्रिसमस नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी क्रिसमस फिल्म बारह जनवरी दो हज़ार चौबीस से थिएटर में रिलीज हुई है फिलहाल मैं वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हो अदरवाइज आपको ओ टी टी पे देखनी है तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल टाइटल भी सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से मेरी क्रिसमस फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे मेरी क्रिसमस जो दो की इंडियन न्यू ईयर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है ये एक बायोलिंग फिल्म थी जिसको तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में क्रिएट किया हुआ है एक फ्रेंच में नोवेले ले मोनते चाज जो फ्रेडरिक डाल्ट के द्वारा लिखी गई है उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म को हिंदी तमिल में बारी बारी से शूट किया गया था जहाँ पे तमिल के लिए और हिंदी के लिए जो एक्ट्रेस है वो एक्टर्स है उसमें कुछ कॉमन एक्टर्स है वहीं पे कुछ एक्टर्स है वो आपको डेफिनेटली अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग देखने को मिलेंगे डायरेक्शन श्री राम राघवन का देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उन स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन जो राइटिंग है उसमें हिंदी वर्जन में श्री राम राघवन के साथ साथ अरिजीत विश्वास पूजा लाधा सूरती और अनुकृत पांडे ने लिखा हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन है वो प्रदीप कुमार एस अब्दुल जब्बार प्रसन्न बाला नटराजन और लता कातिकेयन ने लिखा हुआ है हिंदी का जो तमिल एडप्टेशन है वो उन्होंने किया हुआ है रमेश तोरानी जया तोरानी संजय रोत्री और केवलगर के द्वारा इस फिल्म को करीबन बताया जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ में बनाया हुआ है लीड रोल में कैटरीना विजय सेतुपति है इस फिल्म को टिप्स फिल्म्स और मेजबॉक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ है फिल्म में वहीं पे इस फिल्म की टे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में यूएफओ मूवीज़ हिंदी वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे पैन मरुदकर करके तो द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मधु नीलाकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग पूजा लदा सुरती ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म को 145 मिनट यानी कि दो घंटे 15 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए बैकग्राउंड फोर डेनियल बी जॉर्ज का आपको सुनने को मिलेगा म्यूजिक के राइट्स टिप्स म्यूजिक के पास है फिल्म में तीन तीन गाने रखे हुए दोनों वर्जन के लिए लीड कास्ट की बात करें तो कैटरीना के फिल्ट लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे मारिया कुमार का विजय सेतुपति तो ने एल्बर्ट रमेश का रोल प्ले किया हुआ है अश्वनी कालशेखर रोनी की वाइफ का रोल प्ले करते हुई नजर आएंगी इसके अलावा राजी का आफ्ते रोसी का रोल रोजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जिनका केमियो है गायत्री का भी एक केमियो देखने को मिलेगा सिंगर के तौर पे तो वो केम्योपिडेंस उनका भी देखने को मिलता है वहीं पे हिंदी कास्टिंग की बात करें इसके अलावा ये मेन कास्ट है दोनों वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए संजय कपूर जो सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं रोनू के रोनी के रोल में विजय विनय पाठक ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है प्रतिमा काजमी ने पुलिस कॉन्स्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है तीनू आनंद यादव अंकल का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर तमिल वर्जन के लिए जो राधिका शरद कुमार है वो पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी पी का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो विनय पाठक रोल प्ले करें हिंदी वर्जन वाला वो प्ले कर रही है सनमुगन ने इस फिल्म में पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कविन जय बाबू रोनी का रोल प्ले करते तो नजर आएंगे इसके अलावा राजेश इस फिल्म में अंकल का रोल प्ले करते तो नजर आएंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है दोनों वजन के लिए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली जनवरी 2021 में की गई थी कैटरीना कैफ ने एक फिल्म साइन की हुई थी जहां पे उनके साथ बस कुछ सोर्स से पता चला था कि विजय सेतुपति लीड रोल में होने वाले तो अनयूजल कास्ट थी जहां पे श्री राम राघवन को डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने लास्ट फिल्म अंधाधुन जैसी ब्लॉकबस्टर दी हुई है इस फिल्म की लॉन्चिंग थी वो अप्रैल महीने में की गई थी लेकिन सेकंड वेव जो कोविड का चल रहा था उसके चलते कैटरीना भी उसमें कोविड पॉजिटिव पाई गई थी जिसके चलते लॉन्च था वो डिले रखा गया पच्चीस दिसंबर को फिल्म को ऑफिशियली रमेश तौरानी और संजय रोत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था वो उन्होंने बताया था वो एज़ अ प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए कास्टिंग के ऊपर प्रोड्यूसर रमेश ने कहा था ई टाइम्स को कि विजय इस रोल के लिए परफेक्टली सूट बैठ रहे हैं जहाँ पे कैटरीना कैब की चॉइस पहले से ही थी लेकिन विजय के रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर होने वाला था डायरेक्टर को उनको लेने वाले थे लेकिन जैसे स्क्रिप्ट तैयार हुई उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये रोल उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा संजय कपूर इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे लेकिन वो सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए वहीं पर राधिका शरद कुमार का एक तमिल वर्जन के लिए रोल साइन किया हुआ है वहीं पर जो राधिका शरद कुमार तमिल वर्जन में रोल प्ले करे अगस्त महीने में उसका एक अनाउंसमेंट हुआ था हिंदी वजन में वो रोल विनय पाठक प्ले करेंगे इसके अलावा कुछ की रोल्स जो इस फिल्म में बाद में ऑन अनाउंस किए गए थे जुलाई 2023 में पता चला था कि अश्विन काल से करा दिखाते इस फिल्म में कुछ के म्यूजिक में काम करने वाली है इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है फिल्म की वो 25 दिसंबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी पहला शेड्यूल मुंबई में था शूटिंग को हॉल पर रखा था जहाँ पे जनवरी 2022 तक कोविड केस बढ़ रहे थे उस वजह से शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई थी फरवरी में फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में संजय कपूर ने अपने पोर्शन की शूटिंग है वो मार्च महीने में स्टार्ट की हुई थी कैटरीना के अपने कंटिन्यूस शूटिंग है वो अपने पोर्शन की है वो ग्यारह मार्च से स्टार्ट की हुई थी पहला शेड्यूल मार्च में महीने में ही कम्प्लीट करवाया गया था सेकंड शेड्यूल था वो मार्च को चित्रकूट में तुरंत स्टार्ट करवा दिया गया था और वो शेड्यूल काफ़ी लंबा था करीबन पैंतालीस दिनों लंबा शेड्यूल था जहाँ पे हिंदी तमिल दोनों वजन साथ ही में शूट हो रहे थे राधिका शरद कुमार ने अपने तमिल पोर्सन की शूटिंग है वो अप्रैल महीने में स्टार्ट की हुई थी कुछ फायर एक्सीडेंट के चलते शूटिंग अगस्त महीने में रोकनी पड़ी थी शेड्यूल बाद में चेंज करना पड़ा था और लोकेसन बाद में वृंदावन स्टूडियो में ट्रांसफ़र की गई थी सेकंड शेड्यूल को बाद में नवंबर तक फिनिश करवाया गया तीसरा शेड्यूल था वो नवंबर में ही मुंबई में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म में कैटरीना के फोर का कैटरीना के विजय सेतुपति और संजय कपूर के साथ में जो कुछ सीन्स थे वो वहां पर फिल्माए गए थे और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है उसको जनवरी 2023 तक पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्मेशन के साथ रेपअप किया गया था विजय सेतुपति के बर्थडे के मौके के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट करवाया हुआ था जब लास्ट शेड्यूल चल रहा था उसी समय से स्टार्ट करवा दिया गया था विजय राघवन ने मई दो में रिवील किया हुआ था कि ये फिल्म डबल लैंग्वेज में शूट की हुई है साइमन टेल्स हिंदी और तमिल वर्जन में शूट की गई है जहाँ पे विजय राघवन और कैटरीना केविक्स दोनों का तमिल डेब्यू कह सकते इस तरह से और बाद में इनके साथ अलग अलग को एक्टर्स को लेकर इस फिल्म में तमिल और हिंदी वर्जन के लिए अलग अलग एक्टर्स लेकर प्रॉपर शूटिंग की गई है दीपा वेंकट जो डबिंग आर्टिस्ट है उन्होंने कैटरीना के केव के लिए वॉइस ओवर दी हुए तमिल वर्जन के लिए राधिका शरद कुमार ने विजय तो पाठक ने जो हिंदी वर्जन रोल प्ले किया वो तमिल में रिप्राइज किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बाद में इनको पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाने के बाद म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग मिक्सिंग मास्टर करवाते फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक के राइट्स की बात करें तो टिप्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी वालों ने टिप्स म्यूज़िक के अंडर इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे थे फिल्म के गाने प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे देखा जाए ऑफिशियली उनका यह तमिल डेब्यू था पहला से टाइटल था मेरी क्रिसमस टाइटल ट्रैक हिंदी ट्रैक लिस्टिंग पहले करते थे मेरी क्रिसमस का जो टाइटल ट्रैक था उसको एस किंग ने गाया हुआ था वरुण ग्रोवर ने उसके लिरिक्स लिखे हुए थे उस टाइटल ट्रैक को 25 दिसंबर 2023 तक रिलीज़ करवाया था नजर तेरी तूफान गाने को पपन ने गाया हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था और इसको सेकंड सिंगल के तौर पे 4 जनवरी 2024 को टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था रात अकेली थी गाने को दस जनवरी दो को टिप्स म्यूज़िक वालों ने रिलीज़ करवाया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया हुआ था अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था ठीक उसी तरह तमिल ट्रैक लिस्टिंग करें तो मेरी क्रिसमस टाइटल है उसको योगा भारती ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया था बेनी दयाल ने गाया हुआ गा था अनबी विदय गाने को प्रीतम ने म्यूजिक दिया था युगा भारती ने लिखा था और श्री रामचंद्रा ने उसको गाया हुआ था कंदा धदाई करके जो कडाल करके जो है उसको कार्तिक ने गाया हुआ था योगा भारती ने लिखा था और प्रीतम ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से तीन तीन गाने दोनों वर्जन में रखे हुए थे ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के तमिल और टिप्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया वैसे इस फिल्म के साथ हिंदी में हनुमान का हनुमान का जो तेलुगु वर्जन फिल्म है पेन इंडिया उसका डव वर्जन सेंध वैसे कई फिल्में कैप्टन मिलर रिलीज़ हुई है वैसे प्रॉपर हिंदी एक ही फिल्म रिलीज़ हुई है जहाँ पे इस फिल्म को डिसेंट स्क्रीन टाइम सॉरी स्क्रीन मिले हुए वैसे फिल्म पहले तेईस दिसंबर दो को आने वाली थी प्रोडक्शन डिले हुआ उसके बाद में इस फिल्म को तेईस दिसंबर दो के लिए पोस्टपोन किया गया लेकिन फिर से रिशेड्यूल करते हुए बारह जनवरी दो हजार चौबीस को फिल्म का रिलीज किया इस फिल्म को जब रिलीज किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म फिलहाल में इस फिल्म को पे सर सर वोट मिले जिसमें सात पॉइंट छह की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे कुछ चीज़ों की काफ़ी तारीफ़ की गई कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया जिस तरह से फिल्म का रन टाइम था जिस तरह से फिल्म की पेस चल रही थी उसकी क्रिटिसिज्म मिली हुई है लेकिन इस फिल्म में जो डिरेक्शन देखने को मिलता है स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसेस सिनेमेटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर इन सभी चीज़ों की तारीफ़ की गई थी तो प्रोटेव बॉय इन सभी चीज़ों को जनरल क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था वैसे अगर आप इस फिल्म को अंधाधुंध से कंपेयर करने चलते हो तो शायद थोड़ा कम आपको लगेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई है जहाँ पे जिस तरह से कैटरीना के पी जैसे तो का दोनों का कॉम्बो दिखाया है उनकी केमिस्ट्री दिखाई वो डेफिनेटली पसंद आएगी फिल्म में जिस तरह से ट्विस्ट और टांस चलते हैं सेकंड हाफ में जो चीज़ें अचानक कटने लगती है जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है वैसे श्री राम राघवन का सिनेमेटिक यूनिवर्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी लीड रोल से लेकर सपोर्टिंग रोल्स तक उनके किरदार अच्छी तरह से लिखे गए थे हाँ फिल्म की पेस लो थी जिस तरह जो रन टाइम था वो थोड़ा लंबा महसूस हो रहा था क्योंकि फिल्म काफी धीरे चल रही थी आसानी से 10-15 मिनट जितने इस फिल्म को चॉप ऑफ किया जा सकता था अदरवाइज इस फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो क्राइम देखने को मिलता है उसमें जो सभी चीजें इनपुट की हुई डायरेक्टर ने वो बखूबी काफी बढ़िया है मेरी क्रिस्पेस अनडाउटेडली आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस डेफिनेटली देखी जाएगी फिलहाल में कितनी कुछ फिल्में आई हुई है उसमें आपको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी जहां पे विजय सेतुपति एक और सॉलिड परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं कैटरीना के अपनी तरफ से परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते नजर आते तो एक अच्छी फिल्म है इसे डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली फिलहाल में रिलीज किया हुआ है यहां पे फिल्म का पहले दिन का हिंदी का नेट कलेक्शन 2 करोड़ 30 लाख का निकल के आया हुआ है तो ठीक-ठाक ओपनिंग ली हुई है लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को डेफिनेटली एक लंबा रन देगा और फिल्म अच्छा आसानी से कलेक्ट कर सकती है ओ टी टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने करीबन साठ करोड़ रुपए देकर इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स खरीदे हुए तो थिएट्रिकल रन कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म एक दो महीने के बाद आपको ऑफिशियली ओ टी टलेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मेरी क्रिसमस नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी क्रिसमस फिल्म बारह जनवरी दो हज़ार चौबीस से थिएटर में रिलीज़ हुई है फिलहाल मैं वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हो अदरवाइज आपको ओ पे देखनी है तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से मेरी क्रिसमस फिल्म आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे मेरी क्रिसमस जो 2024 की इंडियन न्यूनॉर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है ये एक बाइलिंग्वेल फिल्म थी जिसको तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में क्रिएट किया हुआ है एक फ्रेंच में नावेल है ले मोन्ते चार्ज जो फ्रेडरिक डाल के द्वारा लिखी गई है उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म को हिंदी तमिल में बारी बारी से शूट किया गया था जहाँ पे तमिल के लिए और हिंदी के लिए जो एक्ट्रेस है वो एक्टर्स है उसमें कुछ कॉमन एक्टर्स है वहीं पे कुछ एक्टर्स है वो आपको डेफिनेटली अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग देखने को मिलेंगे डायरेक्शन श्री राम राघवन का देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उन स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन जो राइटिंग है उसमें हिंदी वर्जन में श्री राम राघवन के साथ साथ अरिजीत विश्वास पूजा लाधा सूरती और अनुकृत पांडे ने लिखा हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन है वो प्रदीप कुमार एस अब्दुल जब्बार प्रसन्न बाला नटराजन और लता कार्तिकेयन ने लिखा हुआ है हिंदी का जो तमिल एडप्टेशन है वो उन्होंने किया हुआ है रमेश तोरानी जया तोरानी संजय रोत्री और केवलगर के द्वारा इस फिल्म को करीबन बताया जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ में बनाया हुआ है लीड रोल में कैटरीना विजय सेतुपति है इस फिल्म को टिप्स फिल्म्स और मेजबॉक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ है फिल्म में वहीं पर इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में यूएफर मूवीज हिंदी वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे पेन मरुदकर के तो द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मधु नीलाकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग पूजा लदा सुरती ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म को 145 मिनट यानी कि दो घंटे 15 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए डेनियल बी जॉर्ज का आपको सुनने को मिलेगा म्यूजिक के राइट्स टिप्स म्यूजिक के पास है फिल्म में तीन तीन गाने रखे हुए दोनों वर्जन के लिए लीड कास्ट की बात करें तो कैटरीना के फिल्ट लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे मारिया कुमार का विजय सेतुपति तो ने एल्बर्ट रमेश का रोल प्ले किया हुआ है अश्वनी कालशेखर रोनी की वाइफ का रोल प्ले करते हुई नजर आएंगी इसके अलावा राजी का आफ्ते रोसी का रोल रोजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जिनका केमियो है गायत्री का भी एक केमियो देखने को मिलेगा सिंगर के तौर पे तो वो का भी देखने को मिलता है वहीं पे हिंदी कास्टिंग की बात करें इसके अलावा ये मेन कास्ट है दोनों वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए संजय कपूर जो सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं रोन, के, के रोल में विजय पाठक ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है प्रतिमा काजमी ने पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है तीनु आनंद यादव अंकल का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर तमिल वर्जन के लिए जो राधिका शरद कुमार है वो पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी पी का रोल प्ले करते नजर आएंगे करेंगे जो विनय पाठक रोल प्ले करें हिंदी वजन वाला वो प्ले कर रही है सनमुगम ने इस फिल्म में पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कविन जय बाबू रोनी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके अलावा राजेश इस, तो इस फिल्म में अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है दोनों वजन के लिए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली जनवरी 2021 में की गई थी कैटरीना कैफ के ने एक फिल्म साइन की हुई थी जहां पे उनके साथ बस कुछ सोर्स से पता चला था कि विजय सेतुपति लीड रोल में होने वाले तो अनयूजल कास्ट थी जहां पे श्री राम राघवन इनको टीरेक करेंगे जिन्होंने लास्ट फिल्म अंधाधुन जैसी ब्लॉक दी हुई है इस फिल्म की लॉन्चिंग थी वो अप्रैल महीने में नेम की गई थी लेकिन सेकंड वेव जो कोविड का चल रहा था उसके चलते कैटरीना भी उसमें कोविड पॉजिटिव पाई गई थी जिसके चलते लॉन्च था वो डिले गया 25 दिसंबर को फिल्म को ऑफिशियली रमेश तोरानी और संजय रोहरी के द्वारा लॉन्च किया गया था वो उन्होंने बताया था वो एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए कास्टिंग के ऊपर प्रोड्यूसर रमेश ने कहा था ए टाइम्स को कि विजय इस रोल के लिए परफेक्टली सूट बैठ रहे जहां पे कैटरीना कैब की चॉइस पहले से ही थी लेकिन विजय के रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर होने वाला था डायरेक्टर को उनको लेने वाले थे लेकिन जैसे स्क्रिप्ट तैयार हुई उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये रोल उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा संजय कपूर इस फिल्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे लेकिन वो सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए वहीं पे राधिका शरद कुमार का एक तमिल वर्जन के लिए रोल साइन किया हुआ है वहीं पे जो राधिका शरद कुमार तमिल वर्जन में रोल प्ले करे अगस्त महीने में उसका एक अनाउंसमेंट हुआ था हिंदी वर्जन में वो रोल भी नहीं पाठक प्ले करेंगे इसके अलावा कुछ की रोल से जो इस फिल्म में बाद में ऑन अनाउंस किए गए थे जुलाई 2023 में पता चला था कश्विन काल से करा दिखाते इस फिल्म में कुछ के म्यूजिक में काम करने वाली है इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है फिल्म की वो 25 दिसंबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी पहला शेड्यूल मुंबई में था शूटिंग को हॉल पर रखा था जहाँ पे जनवरी 2022 तक कोविड केस बढ़ रहे थे उस वजह से शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई थी फरवरी में फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में संजय कपूर ने अपने पोर्शन की शूटिंग है वो मार्च महीने में स्टार्ट की हुई थी कैटरीना के अपने कंटिन्यू शूटिंग है वो अपने पोर्शन की है, वो ग्यारह मार्च से स्टार्ट की हुई थी पहला शेड्यूल मार्च में महीने में ही कम्प्लीट करवाया गया था सेकंड शेड्यूल था वो उन्नीस मार्च को चित्रकूट में तुरंत स्टार्ट करवा दिया गया था और वो शेड्यूल काफ़ी लंबा था करीबन पैंतालीस दिनों लंबा शेड्यूल था जहाँ पे हिंदी तमिल दोनों वजन साथ ही में शूट हो रहे थे राधिका शरद कुमार ने अपने तमिल पोर्सन की शूटिंग है वो अप्रैल महीने में स्टार्ट की हुई थी कुछ फायर एक्सीडेंट के चलते शूटिंग अगस्त महीने में रोकनी पड़ी थी शेड्यूल बाद में चेंज करना पड़ा था और लोकेसन बाद में वृंदावन स्टूडियो में ट्रांसफर की गई थी सेकंड शेड्यूल को बाद में नवंबर तक फिनिश करवाया गया तीसरा शेड्यूल था वो नवंबर में ही मुंबई में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में कैटरीना के फुपति और कैरीना के विजय सेतुपति और संजय कपूर के साथ में जो कुछ सीन्स थे वो वहाँ पर फिल्म गए थे और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है उसको जनवरी 2023 तक पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्मेशन के साथ रेपअप किया गया था विजय सेतुपति के बर्थडे के मौके के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट करवाया हुआ था जब लास्ट शेड्यूल चल रहा था उसी समय से स्टार्ट करवा दिया गया था विजय राघव ने मई दो में रिवील किया हुआ था कि फिल्म डबल लैंग्वेज में शूट की हुई साइमन टेल हिंदी और तमिल वर्जन में शूट की गई है जहाँ पे विजय राघवन और कैटरीना केविक्स दोनों का तमिल डेब्यू कह सकते इस तरह से और बाद में इनके साथ अलग अलग को एक्टर्स को लेकर इस फिल्म में तमिल और हिंदी वर्जन के लिए अलग अलग एक्टर्स लेकर प्रॉपर शूटिंग की गई है दीपा वेंकट जो डबिंग आर्टिस्ट है उन्होंने कैटरीना कैफ के लिए वॉइस ओवर दी हुए तमिल वर्जन के लिए राधिका शरद कुमार ने विजय तो पाठक ने जो हिंदी वर्जन रोल प्ले किया वो तमिल में रिप्राइज किया हुआ था तो ये कुछ चीजें थी जिसके बाद में इनको पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाने के बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक के राइट्स की बात करें तो टिप्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी वालों ने टिप्स म्यूजिक के अंडर इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे थे फिल्म के गाने प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे देखा जाए ऑफिशियल उनका एक तमिल डेब्यू था पहला से टाइटल था मेरी क्रिसमस टाइटल ट्रैक हिंदी ट्रैक लिस्टिंग पहले कर देते हैं मेरी क्रिसमस का जो टाइटल ट्रैक था उसको इस किंग ने गाया हुआ था वरुण ग्रोवर ने उसके लिरिक्स लिखे हुए थे उस टाइटल ट्रैक को 25 दिसंबर 2023 तक रिलीज़ करवाया था नजर तेरी तूफान गाने को पपन ने गाया हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था और इसको सेकंड सिंगल के तौर पे 4 जनवरी 2024 को टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था रात अकेली थी गाने को दस जनवरी दो को टिप्स म्यूज़िक वालों ने रिलीज़ करवाया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया हुआ था अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था ठीक उसी तरह तमिल ट्रैक लिस्टिंग करें तो मेरी क्रिसमस टाइटल है उसको योगा भारती ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया था बेनी दयाल ने गाया हुआ था अनबी गाने को प्रीतम ने म्यूजिक दिया था युगा भारती ने लिखा था और श्री रामचंद्रा ने उसको गाया हुआ था कंदा धदाई करके जो कडाल करके जो है उसको कार्तिक ने गाया हुआ था योगा भारती ने लिखा था और प्रीतम ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से तीन तीन गाने दोनों वर्जन में रखे हुए थे ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के तमिल और टिप्स म्यूजिक के हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया वैसे इस फिल्म के साथ हिंदी में हनुमान का हनुमान का जो तेलुगु वर्जन फिल्म है पेन इंडिया उसका डट वर्जन सेंधा वैसे कई फिल्में कैप्टन मिलर रिलीज़ हुई है वैसे प्रॉपर हिंदी एक ही फिल्म रिलीज़ हुई है जहाँ पे इस फिल्म को डिसेंट स्क्रीन टाइम सॉरी स्क्रीन मिले हुए वैसे फिल्म पहले तेईस दिसंबर 2022 को आने वाली थी प्रोडक्शन डिले हुआ उसके बाद में इस फिल्म को तेईस दिसंबर 2023 के लिए पोस्टपोन किया गया लेकिन फिर से रिशेड्यूल करते हुए बारह जनवरी दो को फिल्म का रिलीज़ किया इस फिल्म को जब रिलीज़ किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला फिल्म फिलहाल में इस फिल्म को आईएमडीबी पे पाँच वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे कुछ चीज़ों की काफ़ी तारीफ़ की गई कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया जिस तरह से फिल्म का रन टाइम था जिस तरह से फिल्म की पेस चल रही थी उसकी क्रिटिसिज्म मिली हुई है लेकिन इस फिल्म में जो डिरेक्शन देखने को मिलता है स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस सिनेमेटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर इन सभी चीज़ों की तारीफ़ की गई थी तो प्रोटिव इन सभी चीज़ों को जनरल क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था वैसे अगर आप इस फिल्म को अंधा से कंपेयर करने चलते हो तो शायद थोड़ा कम आपको लगेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई है जहाँ पे जिस तरह से कैटरीना के पी जैसे तो का दोनों का कॉम्बो दिखाया है उनकी केमिस्ट्री दिखाई वो डेफिनेटली पसंद आएगी फिल्म में जिस तरह से ट्विस्ट और टांस चलते हैं सेकंड हाफ में जो चीज़ें अचानक कटने लगती है जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है वैसे श्री राम राघवन का सिनेमेटिक यूनिवर्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी लीड रोल से लेकर सपोर्टिंग रोल्स तक उनके किरदार अच्छी तरह से लिखे गए थे हाँ फिल्म की पेस स्लो थी जिस तरह जो रन टाइम था वो थोड़ा लंबा महसूस हो रहा था क्योंकि फिल्म काफी धीरे चल रही थी आसानी से 10-15 मिनट जितने इस फिल्म को चॉप ऑफ किया जा सकता था अदरवाइज इस फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो क्राइम देखने को मिलता है उसमें जो सभी चीजें इनपुट की हुई डायरेक्टर ने वो बखूबी काफी बढ़िया है मेरी क्रिस्पेस अनडाउटेडली आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस डेफिनेटली देखी जाएगी फिलहाल में कितनी कुछ फिल्में आई हुई है उसमें आपको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी जहां पे विजय सेतुपति एक और सॉलिड परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं कटिना के आप अपनी तरफ से परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते नजर आते हैं तो एक अच्छी फिल्म है इसे डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली फिलहाल में रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का पहले दिन का हिंदी का नेट कलेक्शन दो करोड़ तीस लाख का निकल के आया हुआ है तो ठीक ठाक ओपनिंग ली हुई है लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को डेफिनेटली एक लंबा रन देगा और फिल्म अच्छा आसानी से कलेक्ट कर सकती है ओ टी टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने करीबन साठ करोड़ रुपए देकर इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स खरीदे हुए तो थिएट्रिकल रन कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म एक दो महीने के बाद आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मेरी क्रिसमस नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी क्रिसमस फिल्म बारह जनवरी दो हज़ार चौबीस से थिएटर में रिलीज हुई है फिलहाल मैं वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हो अदरवाइज आपको ओ टी टी पे देखनी है तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल टाइटल भी सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से मेरी क्रिसमस फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे मेरी क्रिसमस जो दो की इंडियन न्यू ईयर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है ये एक बायोलिंग फिल्म थी जिसको तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में क्रिएट किया हुआ है एक फ्रेंच में नोवेले ले मोनते चाज जो फ्रेडरिक डाल्ट के द्वारा लिखी गई है उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म को हिंदी तमिल में बारी बारी से शूट किया गया था जहाँ पे तमिल के लिए और हिंदी के लिए जो एक्ट्रेस है वो एक्टर्स है उसमें कुछ कॉमन एक्टर्स है वहीं पे कुछ एक्टर्स है वो आपको डेफिनेटली अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग देखने को मिलेंगे डायरेक्शन श्री राम राघवन का देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उन स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन जो राइटिंग है उसमें हिंदी वर्जन में श्री राम राघवन के साथ साथ अरिजीत विश्वास पूजा अल्लाधा सूरती और अनुकृत पांडे ने लिखा हुआ है वहीं पे तमिल वर्जन है वो प्रदीप कुमार एस अब्दुल जब्बार प्रसन्न बाला नटराजन और लात लता काथिकेयन ने लिखा हुआ है हिंदी का जो तमिल एडप्टेशन है वो उन्होंने किया हुआ है रमेश तोरानी जया तोरानी संजय रोत्री और केवलगर के द्वारा इस फिल्म को करीबन बताया जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ में बनाया हुआ है लीड रोल में कैटरीना विजय सेतुपति है इस फिल्म को टिप्स फिल्म्स और मेजबॉक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पिक्चर्स के नीचे इस फिल्म को बनाया गया है एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ है फिल्म में वहीं पे इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में यूएफर मूवीज हिंदी वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे पेन मरुदकर के तो द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है वहीं पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी मधु नीलाकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग पूजा लदा सुरती ने की हुई है जहाँ पे इस फिल्म को 145 मिनट यानी कि दो घंटे 15 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए बैकग्राउंड फोर डेनियल बी जॉर्ज का आपको सुनने को मिलेगा म्यूजिक के राइट्स टिप्स म्यूजिक के पास है फिल्म में तीन तीन गाने रखे हुए दोनों वर्जन के लिए लीड कास्ट की बात करें तो कैटरीना के फिल्ट लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे मारिया कुमार का विजय सेतुपति ने एल्बर्ट रमेश का रोल प्ले किया हुआ है अश्वनी कालशेखर रोनी की वाइफ का रोल प्ले करते हुई नजर आएंगी इसके अलावा राजी का आफ्ते रोसी का रोल रोजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जिनका केमियो है गायत्री का भी एक केमियो देखने को मिलेगा सिंगर के तौर पे तो वो का भी देखने को मिलता है वहीं पे हिंदी कास्टिंग की बात करें इसके अलावा ये मेन कास्ट है दोनों वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए संजय कपूर जो सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं रोन, रोनी के रोल में विजय पाठक ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है प्रतिमा काजमी ने पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है तीनु आनंद यादव अंकल का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर तमिल वर्जन के लिए जो राधिका शरद कुमार है वो पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी पी का रोल प्ले करते नजर आएंगे करेंगे जो विनय पाठक रोल प्ले करें हिंदी वजन वाला वो प्ले कर रही है सनमुगम ने इस फिल्म में पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कविन जय बाबू रोनी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके अलावा राजेश इस, तो इस फिल्म में अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है दोनों वजन के लिए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली जनवरी 2021 में की गई थी कैटरीना कैफ के ने एक फिल्म साइन की हुई थी जहां पे उनके साथ बस कुछ सोर्स से पता चला था कि विजय सेतुपति लीड रोल में होने वाले तो अनयूजल कास्ट थी जहां पे श्री राम राघवन को टीरेक करेंगे जिन्होंने लास्ट फिल्म अंधाधुन जैसी ब्लॉक दी हुई है इस फिल्म की लॉन्चिंग थी वो अप्रैल महीने में नेम की गई थी लेकिन सेकंड वेव जो कोविड का चल रहा था उसके चलते कैटरीना भी उसमें कोविड पॉजिटिव पाई गई थी जिसके चलते लॉन्च था वो डिले गया 25 दिसंबर को फिल्म को ऑफिशियली रमेश तोरानी और संजय रोत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था वो उन्होंने बताया था वो एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए कास्टिंग के ऊपर प्रोड्यूसर रमेश ने कहा था ई टाइम्स को कि विजय इस रोल के लिए परफेक्टली सूट बैठ रहे जहाँ पे कैटरीना कैब की चॉइस पहले से ही थी लेकिन विजय के रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर होने वाला था डायरेक्टर को उनको लेने वाले थे लेकिन जैसे स्क्रिप्ट तैयार हुई उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये रोल उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा संजय कपूर इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे लेकिन वो सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए वहीं पर राधिका शरद कुमार का एक तमिल वर्जन के लिए रोल साइन किया हुआ है वहीं पर जो राधिका शरद कुमार तमिल वर्जन में रोल प्ले करे अगस्त महीने में उसका एक अनाउंसमेंट हुआ था हिंदी वर्जन में वो रोल विनय पाठक प्ले करेंगे इसके अलावा कुछ की रोल्स जो इस फिल्म में बाद में ऑन अनाउंस किए गए थे जुलाई 2023 में पता चला था कि का अश्विन काल से करा दिखाते इस फिल्म में कुछ के म्यूजिक में काम करने वाली है इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है फिल्म की वो 25 दिसंबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी पहला शेड्यूल मुंबई में था शूटिंग को हॉल पर रखा था जहाँ पे जनवरी 2022 तक कोविड केस बढ़ रहे थे उस वजह से शूटिंग फिर से स्टार्ट की गई थी फरवरी में फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में संजय कपूर ने अपने पोर्शन की शूटिंग है वो मार्च महीने में स्टार्ट की हुई थी कैटरीना के, के अपने कंटिन्यूस शूटिंग है वो अपने पोर्शन की है, वो ग्यारह मार्च से स्टार्ट की हुई थी पहला शेड्यूल मार्च में महीने में ही कम्प्लीट करवाया गया था सेकंड शेड्यूल था वो उन्नीस मार्च को चित्रकूट में तुरंत स्टार्ट करवा दिया गया था और वो शेड्यूल काफ़ी लंबा था करीबन पैंतालीस दिनों लंबा शेड्यूल था जहाँ पे हिंदी तमिल दोनों वजन साथ ही में शूट हो रहे थे राधिका शरद कुमार ने अपने तमिल पोर्सन की शूटिंग है वो अप्रैल महीने में स्टार्ट की हुई थी कुछ फायर एक्सीडेंट के चलते शूटिंग अगस्त महीने में रोकनी पड़ी थी शेड्यूल बाद में चेंज करना पड़ा था और लोकेसन बाद में वृंदावन स्टूडियो में ट्रांसफर की गई थी सेकंड शेड्यूल को बाद में नवंबर तक फिनिश करवाया गया तीसरा शेड्यूल था वो नवंबर में ही मुंबई में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में कैटरीना के और सेतुपति और कैटरीना के विजय सेतुपति और संजय कपूर के साथ में जो कुछ सीन्स थे वो वहाँ पर फिल्माए गए थे और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है उसको जनवरी 2023 तक पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्मेशन के साथ रेपअप किया गया था विजय सेतुपति के बर्थडे के मौके के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट करवाया हुआ था जब लास्ट शेड्यूल चल रहा था उसी समय से स्टार्ट करवा दिया गया था विजय राघवन ने मई दो में रिवील किया हुआ था कि फिल्म डबल लैंग्वेज में शूट की हुई है साइमन टेल्स हिंदी और तमिल वर्जन में शूट की गई है जहाँ पे विजय राघवन और कैटरीना केविक्स दोनों का तमिल डेब्यू कह सकते इस तरह से और बाद में इनके साथ अलग अलग को एक्टर्स को लेकर इस फिल्म में तमिल और हिंदी वर्जन के लिए अलग अलग एक्टर्स लेकर प्रॉपर शूटिंग की गई है दीपा वेंकट जो डबिंग आर्टिस्ट है उन्होंने कैटरीना कैफ के लिए वॉइस ओवर दी हुए तमिल वर्जन के लिए राधिका शरद कुमार ने विजय तो पाठक ने जो हिंदी वर्जन रोल प्ले किया वो तमिल में रिप्राइज किया हुआ था तो ये कुछ चीजें थी जिसके बाद में इनको पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाने के बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक के राइट्स की बात करें तो टिप्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी वालों ने टिप्स म्यूजिक के अंडर इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे थे फिल्म के गाने प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे देखा जाए ऑफिशियल उनका एक तमिल डेब्यू था पहला से टाइटल था मेरी क्रिसमस टाइटल ट्रैक हिंदी ट्रैक लिस्टिंग पहले कर देते हैं मेरी क्रिसमस का जो टाइटल ट्रैक था उसको इस किंग ने गाया हुआ था वरुण ग्रोवर ने उसके लिरिक्स लिखे हुए थे उस टाइटल ट्रैक को 25 दिसंबर 2023 तक रिलीज़ करवाया था नजर तेरी तूफान गाने को पपन ने गाया हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था और इसको सेकंड सिंगल के तौर पे 4 जनवरी 2024 को टिप्स म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था रात अकेली थी गाने को दस जनवरी दो को टिप्स म्यूज़िक वालों ने रिलीज़ करवाया था वरुण ग्रोवर ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूज़िक दिया हुआ था अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था ठीक उसी तरह तमिल ट्रक लिस्टिंग करे तो मेरी क्रिसमस टाइटल है उसको युगा भारती ने लिखा हुआ था प्रीतम ने म्यूजिक दिया था बेनी दयाल ने गाया हुआ था अनबे विदय गाने को प्रीतम ने म्यूजिक दिया था युगा भारती ने लिखा था और श्री रामचंद्रा ने उसको गाया हुआ था कंदा धदाई करके जो कड़ाल करके जो गाना है उसको कार्तिक ने गाया हुआ था युगा भारती ने लिखा था और प्रीतम ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से तीन तीन गाने दोनों वर्जन में रखे हुए थे ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के तमिल और टिप्स म्यूजिक के हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आसानी से सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को 12 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया गया वैसे इस फिल्म के साथ हिंदी में हनुमान का हनुमान का जो तेलुगु वर्जन फिल्म पेन इंडिया उसका डब्ड वर्जन सेंध वैसे कई फिल्में कैप्टन मिलर रिलीज़ हुई है वैसे प्रॉपर हिंदी एक ही फिल्म रिलीज़ हुई है जहाँ पे इस फिल्म को डिसेंट स्क्रीन टाइम सॉरी स्क्रीन मिले हुए वैसे फिल्म पहले तेईस दिसंबर 2022 को आने वाली थी प्रोडक्शन डिले हुआ उसके बाद में इस फिल्म को कोई दिसंबर 2023 के लिए पोस्टपोन किया गया लेकिन फिर से रिशेड्यूल करते हुए 12 जनवरी 2024 को फिल्म का रिलीज़ किया इस फिल्म को जब रिलीज़ किया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला फिल्म फिलहाल में इस फिल्म को आई पे पाँच वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे कुछ चीज़ों की काफ़ी तारीफ़ की गई कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया गया जिस तरह से फिल्म का रन टाइम था जिस तरह से फिल्म की पेस चल रही थी उसकी क्रिटिसिज्म मिली हुई है लेकिन इस फिल्म में जो डिरेक्शन देखने को मिलता है स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंसिस सिनेमेटोग्राफी बैकग्राउंड स्कोर इन सभी चीज़ों की तारीफ़ की गई थी तो प्रोटेव इन सभी चीज़ों को जनरल क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था वैसे अगर आप इस फिल्म को अंधाधुंध से कंपेयर करने चलते हो तो शायद थोड़ा कम आपको लगेगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के आई हुई है जहाँ पे जिस तरह से कैटरीना के पी जैसे तो का दोनों का कॉम्बो दिखाया है उनकी केमिस्ट्री दिखाई वो डेफिनेटली पसंद आएगी फिल्म में जिस तरह से ट्विस्ट और टांस चलते हैं सेकंड हाफ में जो चीज़ें अचानक कटने लगती है जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है वैसे श्री राम राघवन का सिनेमेटिक यूनिवर्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी लीड रोल से लेकर सपोर्टिंग रोल्स तक उनके किरदार अच्छी तरह से लिखे गए थे हाँ फिल्म की पेस् स्लो थी जिस तरह जो रन टाइम था वो थोड़ा लंबा महसूस हो रहा था क्योंकि फिल्म काफी धीरे चल रही थी आसानी से 10-15 मिनट जितने इस फिल्म को चॉप ऑफ किया जा सकता था अदरवाइज इस फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं जिस तरह से जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो क्राइम देखने को मिलता है उसमें जो सभी चीजें इनपुट की हुई डायरेक्टर ने वो बखूबी काफी बढ़िया है मेरी क्रिस्पेस अनडाउटेडली आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस डेफिनेटली देखी जाएगी फिलहाल में कितनी कुछ फिल्में आई हुई है उसमें आपको ये फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी जहां पे विजय सेतुपति एक और सॉलिड परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं कैटरीना के अपनी तरफ से परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते नजर आते तो एक अच्छी फिल्म है इसे डेफिनेटली देख सकते हो इस फिल्म को थिएट्रिकली फिलहाल में रिलीज किया हुआ है यहां पे फिल्म का पहले दिन का हिंदी का नेट कलेक्शन 2 करोड़ 30 लाख का निकल के आया हुआ है तो ठीक-ठाक ओपनिंग ली हुई है लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को डेफिनेटली एक लंबा रन देगा और फिल्म अच्छा आसानी से कलेक्ट कर सकती है ओ टी टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने करीबन साठ करोड़ रुपए देकर इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स खरीदे हुए तो थिएट्रिकल रन कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म एक दो महीने के बाद आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मेरी क्रिसमस नाम के साथ देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी क्रिसमस फिल्म बारह जनवरी दो हज़ार चौबीस से थिएटर में रिलीज हुई है फिलहाल मैं वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हो अदरवाइज आपको ओ टी टी पर देखनी है तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल

पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू